सो हेलो ड्रामा लवर्स, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक बहुत ही रोमांटिक चाइनीज ड्रामा। इस ड्रामा में हम जाज यांग नाम की एक लड़की को देखेंगे जो कि अभी अपनी फैमिली को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान है और इसे अपनी फैमिली को संभालने के लिए बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है। लेकिन तभी एक दिन इसकी मुलाकात एक ऐसे इंसान से होती है जो कि एक बहुत ही बड़ी कंपनी के प्रेसिडेंट है। और शॉकिंग वाली बात तो ये है कि ये प्रेसिडेंट इस बेचारी लड़की से शादी करना चाहते हैं। तो शादी क्यों करना चाहते हैं और इनकी लव स्टोरी कैसी होगी, ये सब देखने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो एंजॉय करें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो स्टोरी की शुरुआत में हम गुनांसु को देखते हैं जो कि बहुत ही चार्मिंग और हैंडसम से प्रेसिडेंट है और ये एक एनिमेशन कंपनी के सीईओ हैं और ये इस ड्रामा के मेन लीड कैरेक्टर हैं। इसके बाद हम अपने फीमेल लीड को देखते हैं जिसके बारे में मैंने पहले ही बताया है। ये एक बहुत ही हार्ड वर्किंग लड़की है और पैसे कमाने के लिए कई तरह के अलग अलग काम किया करती है। इसके अलावा वो एक कंपनी में कार्टूनिस्ट का भी काम किया करती है। खैर, नेक्स्ट सीन में हम गो को देखते हैं जो कि उसी कंपनी में आते हैं जहां वही लड़की जॉब करती है। और यहां पर हमें पता चलता है कि गुनांसु का इस कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन अब ये इस कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट तोड़ते हैं क्योंकि इन्हें पता चलता है कि ये लोग पुराने फेमस आर्टिस्ट के काम को चुराया करते हैं। लेकिन इस बात का इल्जाम इस कंपनी का सीईओ जिंगशी पर लगा देता है और वो कहता है कि ये सब इसी लड़की ने किया है, जबकि ऐसा इसने सीईओ के कहने पर ही किया था। ये सब देखकर गो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अब गुस्से में यहां से जाने लगता है। लेकिन हाथ झटकने की वजह से जिंगशी के हाथ में जितने भी पेपर्स थे वो नीचे गिर जाते हैं और वो उन्हीं पेपर्स के ऊपर चढ़कर जाता है, जो देखकर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। और वो नांजो को पकड़ती है और उसे जोर से पकड़ कर कहती है कि आप भी एक आर्टिस्ट हो और मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ और आपको एक आर्टिस्ट की कदर होनी चाहिए, दूसरों के वर्क की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और आपने जो अभी मेरे पेपर्स के साथ किया है उसके लिए आपको मुझे पैसे भरना पड़ेगा और अगर आपने मेरे पेपर्स के कंपनसेशन नहीं दिए तो मैं कोर्ट में जाऊंगी और आपके ऊपर केस करूंगी। ये सुनकर नांजो चुप शांति से उसे पे करके से निकल जाता है। इसकी ऐसी हरकत की वजह से इसे जॉब से निकाल दिया जाता है। और अब ये जैंगजिन के पास आती है जो कि इसके जूनियर का असिस्टेंट है और इसका फ्रेंड भी है। ये इसको सारी बातें बताती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये इस लड़की को काफी पसंद करता है, लेकिन इसने अभी तक अपनी फीलिंग्स को छुपा कर रखा है। इसके बाद हम जिंगसी की फ्रेंड जो को देखते हैं जो कि उसके लिए कुछ चॉकलेट्स वगैरह लेकर आई होती है और यहाँ पर उसके पास कुछ कैश भी होते हैं और ये उसे कहती है कि ये सारी चीजें उसी लकी ड्रॉ में मिले हैं। ये सुनकर वो काफी खुश हो जाती है, लेकिन असल में ये सारी चीजें उसके भाई ने सू के थ्रू भिजवाया था क्योंकि उसने जिंगसी से झूठ बोला था कि वो बाहर स्टडी करने के लिए गया हुआ है, लेकिन असल में वो शहर में ही रहकर जॉब किया करता है ताकि वो जल्द से जल्द कर्जे को उतार सके। नेक्स्ट सीन में हम गो को देखते हैं जिसके पास उसका फैमिली लॉयर आता है और लॉयर उसे बताते हैं कि आपके फैमिली के बिल के अकॉर्डिंग आपको इस कंपनी में बने रहने के लिए 10% शेयर की जरूरत होगी जो कि आपके फादर ने अपने फ्रेंड मिस्टर जू को दिए हुए थे क्योंकि उन्होंने बुरे वक्त में उसके फादर की काफी हेल्प की थी, इसीलिए उन्हें उनकी फैमिली का ख्याल रखने के लिए इन्हें मिस्टर जू की बेटी से शादी करनी होगी और यही आपके फादर की लास्ट विश है। ये सब जानने के बाद नांगसो अपने असिस्टेंट से उस लड़की की डिटेल्स मांगता है और तब उसे पता चलता है कि ये तो वही लड़की है जिसने आज सुबह उससे बदतमीजी की थी। अब जब ये दोनों लोग कार में होते हैं तो जियांग उससे पूछता है कि क्या आपको उससे शादी करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो वो कहता है कि ये मेरे फादर की लास्ट विश है इसीलिए मैं इसे पूरी करना चाहता हूँ, मगर क्योंकि मेरे पास उसे डेट करने का टाइम नहीं है तो मैं उसे डायरेक्टली शादी के लिए प्रपोज करूँगा। जो सुनकर जियांग कहता है कि ये सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए क्योंकि उसकी फैमिली पर काफी ज्यादा कर्जा है और आए दिन कई सारे लोग कर्जा मांगने के लिए उनके पास आते रहते हैं, तो किसी तरह आप उसे गुंडों से बचा लेना जिसके बाद वो आपके प्यार में गिर जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि ये सब जासिंग के साथ असल में हो रहा होता है और सही वक्त पर नांसो वहाँ पर एंट्री मारकर उसे उन लोगों से बचाता है। जिंगसी सोच में पड़ जाती है कि आखिर ये मुझे बचाने के लिए क्यों आया है। अब नांसो उसे कार में बैठने के लिए कहता है और यहाँ पर जिंगसी उसे मदद करने के लिए उसे थैंक्स बोलती है, लेकिन यहाँ पर गु बिना देरी किए उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है। वो कहता है कि तुम मुझसे शादी कर लो। ये सुनकर जिंगशी तो एकदम हैरान हो जाती है, कोई भी लड़की हैरान ही हो जाएगी अगर कोई बंदा इस तरह से शादी के लिए प्रपोज करेगा। वो कहती है कि आखिर मैं तुमसे कैसे शादी कर सकती हूँ, मैं तो तुम्हें ठीक से जानती भी नहीं। अब नांसो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें दो ऑप्शन देता हूँ, या तो तुम मुझसे शादी कर लो या फिर रजिस्टर्ड मैरिज कर लो। जिंगशी कहती है कि अरे ये दोनों तो सेम बात ही हुई। अब क्योंकि वो बारिश में भीग गई थी तो नांसो उसे अपना कोट उतार कर देने लगता है, लेकिन जिंगशी गलत समझ लेती है और उसे मारना शुरू कर देती है।
और मारने के बाद यहाँ से भाग जाती है। जब इससे बात नहीं बनती तो जियांग नानसू को काफी सारे आइडियाज देता है, जैसे कि कभी वो उसके लिए बुकी भिजवाता था तो कभी ढेर सारे खाने पीने के सामान। लेकिन जब ऐसे कोई भी आइडियाज काम नहीं करते तो जियांग कहता है कि आपको उसके लिए एक रोमांटिक सा प्रपोजल प्लान करना होगा। और ये सारी चीजें लड़कियों को काफी पसंद है, लेकिन इनडायरेक्टली ये प्रपोजल प्लान करने का ऑर्डर संगशी के पास ही जाता है। अब जब वो उस प्रपोजल को अरेंज कर रही होती है तभी वहाँ पर गुनानजू पहुँच जाता है और वो उसे वहाँ पर देख कर काफी शॉक्ड हो जाता है और उसके सामने रिंग लाकर कुछ अजीब तरीके से बिहेव करता है और उसके प्रपोज करने का तरीका बहुत ही ज्यादा फनी होता है। उसकी शक्ल बहुत ही अजीब लग रही होती है, ऐसा लग रहा होता है कि वो प्रपोज नहीं कर रहा है, वो उसे ब्लैकमेल कर रहा है या फिर मानो फोर्स कर रहा है। इसी बीच यहाँ पर जिंगशी के कुछ फ्रेंड्स भी आती है और वो उसे चेयर अप करने लगती है और वो लोग साथ ही में उसके वीडियोज भी बनाने लगती है। अब जैसे ही नांगजो उसे रिंग पहनाने वाला होता है तो वो अपना हाथ पीछे कर लेती है और कहती है कि मैं तुमसे शादी कैसे कर सकती हूँ, मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं। जो सुनकर वो कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें 5 सेकंड का समय देता हूँ, तब तक तुम सोच लो और फिर मुझे बताओ। अब जैसे ही 5 सेकंड पूरे होते हैं तो वो उसे बताने के लिए पूछता है, लेकिन जिंगशी फिर भी मना कर देती है और वो उसकी बार बार पूछने पर भी मना करके वहाँ से चली जाती है। लेकिन फिर वो उसके पास दोबारा आती है और वो उसे अपने पैसे मांगती है क्योंकि उसने ये सारी चीजें अरेंज खुद से किया होता है, लेकिन उसने ऑलरेडी पैसे पे कर दिए थे। जैसे ही वो अपने पैसे गिनने के लिए जाती है तो वो अचानक से उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचता है और वो बेचारी उसे अपना इतना करीब देखकर घबरा जाती है, जिस वजह से वो उसके पैर पर अपने पैर से मारती है और फिर यहाँ से चली जाती है। यहाँ पर नानजो की शक्ल एकदम देखने लायक थी। अब क्योंकि जियांग के सारे आइडियाज फेल हो गए थे, इसीलिए अगले दिन नानजो ऑफिस जाकर उसे खूब खरी खोटी सुनाता है। वो उसके ऊपर पूरी तरह से भड़क जाता है तो जियांग कहता है कि मेरे पास एक और आइडिया है, आप उसे हैंडबैग दो, क्योंकि लड़कियों को हैंडबैग्स काफी पसंद होते हैं, इसीलिए वो काफी सारे हैंडबैग्स उसके कॉलेज में भिजवा देता है। ये देखकर तो वो एकदम से भड़क जाती है और वो सीधा उसके ऑफिस आ जाती है। यहाँ आकर वो रिसेप्शनिस्ट से गुनानजो के बारे में पूछती है तो रिसेप्शनिस्ट कहती है कि आप उनसे अपॉइंटमेंट के बिना नहीं मिल सकती, लेकिन वो रिसेप्शनिस्ट को चकमा देकर गु के पास पहुँच जाती है और वो यहाँ पर उसके सारे गिफ्ट्स वापस लेने को कहती है। तो नानजो कहता है कि अभी मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट काम कर रहा हूँ तो तुम मुझसे बाद में मिलने आना। जिंगशी कहती है कि जब तक तुम गिफ्ट्स वापस नहीं लोगे मैं यहाँ से कहीं नहीं हिलूंगी। तो वो पूछता है कि अगर मैंने गिफ्ट्स वापस ले लिए तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तो वो कहती है कि भला मैं तुमसे शादी क्यों करूंगी। तो वो कहता है कि क्योंकि मैं हैंडसम हूँ, रिच हूँ, इंटेलिजेंट हूँ तो तुम मुझसे शादी करके बहुत खुश रहोगी। ये सब बोलते बोलते वो जिंगशी की तरफ जाने लगता है, इस वजह से वो पीछे होते होते बेचारी सोफी पर गिर जाती है और तो और गिरते गिरते वो नांगजो की टाई भी पकड़ लेती है, जिसके वजह से वो भी उसके ऊपर गिर जाता है और उनकी एक्सीडेंटली एक किस हो जाती है। अब उनको इस कंडीशन में ऑफिस के सारे एम्प्लॉयज देख लेते हैं। अब जैसे ही नांगजो उन सभी को एक साथ देखता है तो वो अचानक से बेहोश होने लगता है क्योंकि उसका पास्ट काफी बुरा रहा है। पास्ट में उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से उसे क्राउड यानी कि भीड़ भाड़ से बहुत डर लगता है और इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। खैर इसी बीच यहाँ पर नंगजे का असिस्टेंट सियांग आ जाता है जो कि उसे डायरेक्टली हॉस्पिटल लेकर जाता है और यहाँ जिंगशी नंगजे को कहती है कि शायद तुम मेरी वजह से बेहोश हो गए। तो नंगजे फिर से कहता है कि ठीक है तो तुम मुझसे शादी कर लो। वो बेचारी फिर से पूछती है कि मैं तुमसे शादी आखिर क्यों करूं। आज तभी यहाँ पर नांगजो की मदर आ जाती है जो कि इनकी बात ही सुन लेती है और वो उससे कई सारे सवाल पूछने लगती है, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या और ये कौन है, कहाँ रहती है, इसका नाम क्या है और भी बहुत कुछ पूछते ही जाती है। तो नांगजो झूठ बोल देता है कि हाँ ये मेरी गर्लफ्रेंड है। अब यहाँ पर नांगजो उसे इशारा करता है कि अगर वो उसकी मॉम को संभाल लेगी तो वो उसे 3 गुना ज्यादा पैसे देगा, इसलिए वो इन दोनों की लव स्टोरी की एक झूठी मूठी कहानी बनाती है और उसकी मॉम को बता देती है और उसकी मॉम ये कहानी सुनकर तो बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है कि फाइनली मेरे बेटे की भी गर्लफ्रेंड है। अब जैसे तैसे करके गुनानजो अपनी मदर को वहाँ से भेज देता है। इसके बाद वो जिंगशी को उसके कॉलेज छोड़ने के लिए जाता है। दूसरी तरफ हम जियांग को देखते हैं जो कि उसके प्रपोजल वाले वीडियो को इंटरनेट से हटवा रहा होता है और यहाँ पर वो चीज नांगजो की सीनियर एम्प्लॉय देख लेती है और ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा सैड हो जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि ये गु को शायद पसंद करती है। इसके बाद हम नांगजो की मॉम को नांगजो और जिंग के साथ लंच पर देखते हैं और यहाँ पर वो जिंगशी को एक टॉर्ट खाने के लिए कहती है और इसे खाते ही वो कहती है कि इसे खाते ही मुझे मेरी मॉम की याद आ गई क्योंकि वो भी बिल्कुल ऐसा ही बनाती थी। जो सुनकर मदर थोड़ी शॉक्ड हो जाती है क्योंकि ये उनकी यूनिक रेसिपी थी और तभी वो पूछ लेती है कि क्या तुम मिस्टर जू की बेटी हो। जो सुनकर वो हैरान हो जाती है और कहती है कि आप मेरे फादर को कैसे जानती है।
तो वो बताती है कि वो मेरे हस्बैंड के काफी अच्छे दोस्त हैं, और क्या तुम भूल गई तुम बचपन में मेरे घर पर खेलने के लिए आया करती थी, और मैंने तुम्हारी मदर के साथ ये रेसिपी भी शेयर की थी। जब सुनकर सिंक्षी को याद आ जाता है। इसके बाद मदर इन दोनों को वेडिंग ड्रेस में कुछ रोमांटिक फोटो शूट कराने के लिए लेकर जाती है। अब ये दोनों यहाँ पर मदर के कहने पर बहुत सारे फोटो शूट करवाते हैं, जो देख कर वो काफी खुश हो जाती है। इसके बाद सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। खैर, नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मदर नांगजो से सिंक्षी का नंबर मांगती है। तो वो बहाना करके बोल देता है कि अभी वो बिजी होगी, इसलिए आप उसे अभी फोन मत करिएगा। जो सुनकर मदर जियांग को फोन लगाती है और उससे जिंगसी का नंबर मांगती है। अब वो अपने मदर को बताता है कि वो अपने फादर के आखिरी इच्छा को पूरी कर रहे हैं। जो सुनकर उसकी माम काफी ज्यादा सैड हो जाती है, और अब वो अपने बेटे से बात करने के लिए उसे अपने पास बुलाती है और उसे समझाते हुए कहती है कि बेटा, तुम्हारे फादर अब इस दुनिया में नहीं है, तो तुम्हें उस लड़की से शादी करनी चाहिए जिसे तुम प्यार करते हो। तुम सिर्फ अपने फादर की इच्छा पूरी करने के लिए किसी से भी यूं ही शादी नहीं कर सकती, इससे तुम्हारी लाइफ स्पॉइल हो सकती है। तो नांगजू इस बारे में सोचने लगता है। इसके बाद हम सिंक्षी को देखते हैं, जिसे पता चल जाता है कि उसका भाई शहर में ही है, इसीलिए वो उससे मिलने के लिए जाती है। लेकिन जब वो उसके पास जाती है तो वो देखती है कि गुन ने उसे कर्जे के पैसे के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान किया हुआ है। सिंक्षी उसे कहती है कि तुम हमें परेशान मत करो और हम दोनों मिलकर तुम्हारा कर्जा चुका देंगे। लेकिन उसका भाई इन सब चीजों से उसे रहने के लिए कहता है और उसे टैक्सी में बैठा कर यहाँ से जाने के लिए भेज देता है। अब अपने भाई को इस तरह से स्ट्रगल करता हुआ देखकर वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, और वो नांगजू को फोन करके कहती है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। जो सुनकर वो कहता है कि अब शादी करने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन वो कहती है कि उसे उसकी हेल्प चाहिए। तो वो उसे अपने घर पर बुलाता है। घर पहुँच कर वो उसे कहती है कि क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो, तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। यहाँ पर वो ये भी कहती है कि अगर तुम शादी नहीं करना चाहते तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, मैं तुम्हारी माम को संभालूंगी जब जब वो तुम्हें शादी करने के लिए फोर्स करेंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम शादी नहीं करना चाहते क्योंकि तुम बीमार हो। यहाँ पर वो गुस्सा करते हुए कहता है कि मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ, मैं हैंडसम हूँ, स्मार्ट हूँ और इंटेलिजेंट भी हूँ। ये कहते कहते वो सिंक्षी की तरफ बढ़ने लगता है। तो अब वो फिर से सोफे पर गिरने वाली होती है, लेकिन वो नांगजू को पकड़ लेती है और उसका पैर गलती से नांगजू के पैर पर लग जाता है, जिससे अब वो फिसल कर सोफे पर आ जाता है और अब सिंक्षी उसके ऊपर गिर जाती है। इसी वजह से उनकी फिर से एक्सीडेंटली किस हो जाती है। इसी बीच यहाँ पर जेंगसियान भी आ जाता है, जो कि इन दोनों को इस हालत में देख लेता है और चुपचाप से वापस चला जाता है। इसके बाद नांगजू सियान को वापस बुलाकर से एक मैरिज एग्रीमेंट बनवाता है, जिससे कि पार्टी ए यानी कि नांगजू और पार्टी बी अपनी अलग अलग क्लॉजेस रखते हैं, और इस एग्रीमेंट को बनाते बनाते पूरी रात बीत जाती है, क्योंकि इस एग्रीमेंट के अंदर 281 क्लॉजेस थे। सुबह तक ये एग्रीमेंट बनकर तैयार हो जाता है, जिस पर दोनों पार्टी साइन करती है। अब क्योंकि सुबह हो चुकी थी तो जियांग इन दोनों के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है, जहां ब्रेकफास्ट टेबल पर जिंगसी को खाते हुए देखकर वो काफी ज्यादा इरिटेट हो जाता है और कहता है कि तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है, तुम बिना आवाज के नहीं खा सकती। वो कहती है कि मैं तो वैसे ही खाती हूँ, अब पता नहीं तुम ये खाना कैसे खा लेते हो। ये सब बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। जो सुनकर नांगजू गुस्से से कहता है कि मेरा भी ब्रेकफास्ट हो गया है, चलो जल्दी से ऑफिस चलते हैं। अब हम देखते हैं कि जिंगशन ने कॉलेज जाने के लिए अपने बस को मिस कर दिया होता है। तो जैसे ही वो नांगजू की कार को वहाँ पर आते हुए देखती है तो वो उसके सामने आ जाती है और वो उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे कॉलेज छोड़ दे, क्योंकि वो इस वक्त लेट हो रही है। लेकिन वो नांगजू को इग्नोर करके आगे चलते रहने के लिए कहता है। जो सुनकर वो उसे एग्रीमेंट का क्लॉज याद दिलाती है और कहती है कि आगे से वो कभी भी उसे परेशान नहीं करेगी, इसीलिए वो प्लीज इस बार उसकी मदद कर दे। अब उसके काफी कहने पर नांगजू मान जाता है और उसे कार के अंदर बुला लेता है। जैसे ही वो उसे कॉलेज ड्रॉप करता है तो वहाँ पर उसकी फ्रेंड्स आ जाती है और वो जिंगसी से पूछती है कि तुम रात भर कहाँ थी, और तभी कार से नांगजू निकलता है और वहाँ पर उसका बैग देता है और कहता है कि तुम ये कार के अंदर ही भूल गई थी, और अब वो उसके दोस्तों के साथ शो ऑफ करने लगता है और खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए बताता है कि मैं इसका फियांसे हूँ, और उसका फोन छीन कर उसके फोन में अपना नंबर हबी के नाम से सेव कर देता है, जो कि बहुत ही ज्यादा क्यूट एंड लविंग लगता है। वो उसे कहता है कि अब हमें लोगों के सामने ऐसे ही एक्ट करना होगा, तो इस बात का हमेशा से ध्यान रखना। ये बोलकर वो वहाँ से ऑफिस के लिए निकल जाता है। अब ये बात पूरी कॉलेज में फैल जाती है तो यन घबराते हुए आता है और उसे इस बात के लिए कन्फ्रंट करता है। तो वो कहती है कि हाँ, मैं उससे प्यार करती हूँ और मैं उससे शादी करने वाली हूँ। तो यन काफी ज्यादा अपसेट हो जाता है, क्योंकि वो भी तो भला उससे प्यार करता है, और वो गुस्से में उठकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन सिंक्षी सू को सारी बातें बता देती है और वो कहती है कि ये सब सिर्फ और सिर्फ एक एग्रीमेंट है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो अपने कॉलेज के बाहर एक सेलर को 90% ऑफ पर बुक बेचने के लिए देखती है, और वो उस सेलर के पास जाती है और कहती है कि मैं आपके बुक्स को दोनों दाम में बेच सकती हूँ, लेकिन मुझे 20% देना होगा। इसके बाद वो उन बुक्स को ले जाकर यूनिवर्सिटी के दूसरे साइड में 50% पर बेचने लगती है।
वहाँ पर पुलिस आकर उसे पकड़ लेती है। एक तरफ हम गोरांजो को देखते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग में होता है, और तभी उसे जिंगजी का कॉल आता है और वो उसे कहती है कि मैं अभी जेल में हूँ, इसीलिए प्लीज मुझे यहाँ से आकर बचा लो। तो वो अपनी इम्पोर्टेंट मीटिंग छोड़कर उसे जेल से निकालने के लिए चला जाता है। बेल कराने के बाद वो उसे कहता है कि तुमने एग्रीमेंट के क्लॉज को ब्रेक किया है, तो तुम आगे से कैसे कंपनसेट करोगी। वो कहती है कि मैं तुम्हें रीपे कर दूंगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। कॉलेज पहुँचने पर हम उसे उसकी टीचर के पास देखते हैं, और यहाँ उसे पता चलता है कि जिन लोगों से उसकी फैमिली वालों ने पैसे लिए थे, उन लोगों का पैसा ना चुकाने की वजह से उन गुंडों ने जिंगजी के हॉस्टल का पाइप तोड़ दिया है, और इस सबकी वजह से उसकी रूममेट्स को भी प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा है। और वो सुन लेती है कि उसकी रूममेट्स कहती है कि उसे हॉस्टल से चली जाना चाहिए, और ये सारी चीजें जिंगजी भी सुन लेती है। वो उन सबसे माफी मांग कर कहती है कि वो उन्हें इन सबका पैसा दे देगी, और ऐसा बोलकर हॉस्टल से अपना सामान लेकर निकल जाती है। अब क्योंकि जिंगजी के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसीलिए वो अपने दोस्तों को कॉल करती है और सभी से पूछती है कि क्या तुम मुझे अपने घर पर रहने के लिए जगह दे सकती हो। तो सु बताती है कि मैं तो छुट्टियों पर बाहर आई हूँ। अब इससे पहले कि वो कुछ और बात कर पाती, जिंगजी का फोन डेड हो जाता है। अब वो रास्ते से जा ही रही थी, तभी उसे ऐसा लगता है कि कोई आदमी उसका पीछा कर रहा है, जिस वजह से वो काफी घबरा जाती है। इसीलिए कोई चारा ना होने पर वो नानजियो के घर की तरफ जाने लगती है, जहां लिफ्ट में भी वो आदमी उसका पीछा करते हुए आ जाता है। तो वो जल्दी से लिफ्ट से निकल कर नानजियो की फ्लोर पर पहुंचती है, और काफी बार नॉक करने पर जब कोई भी दरवाजा नहीं खोलता, तब जिंगजी को उसके घर का पासवर्ड याद आ जाता है, क्योंकि उसने नानजू ने उसके सामने ही उस दरवाजा ओपन किया था। इसीलिए वो फटाफट से पासवर्ड डालकर अंदर चली आती है, और जैसे ही वो अंदर आती है, उसे रियलाइज होता है कि वो इंसान उसे फॉलो नहीं कर रहा था, बल्कि वो तो बगल वाले फ्लैट में रहता है। और तब जाकर वो चैन की सांस लेती है। इसके बाद हम नानजो को देखते हैं जो कि घर में वापस आता है। अब घर की लाइट्स वगैरह ऑन देखकर उसे लगता है कि शायद घर में कोई चोर आ गया है, और वो रूम के अंदर जब किसी को सोता हुआ देखता है तो वो पुलिस को कॉल कर देता है, और अब वो बैग लेकर रूम के बाहर ही खड़ा हो जाता है। और तभी उसे प्यास लगती है, तो वो उठकर बाहर आती है, तो नानजो उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन उसे देखकर वो रुक जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आई, तब वो उसे सारी बातें बता देती है। तो सुनकर नानजो उसे घूरने लगता है, और तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है, क्योंकि नानजो ने पुलिस को फोन किया था। तो नानजो ने बता देता है कि मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, जिसकी वजह से मैंने आपको फोन कर दिया था, जो सुनकर पुलिस उसे हल्की सी डांट लगाती है और वहाँ से चली जाती है। अब नानजो उसे घर में रहने की इजाजत दे देता है। आधी रात को हम देखते हैं कि जिंगजी को नाइट क्रेविंग होने लगती है, तो वो कुछ खाना खाने के लिए फ्रिज खोलती है, लेकिन उसके काफी ज्यादा आवाज करने की वजह से उसे नींद नहीं आ रही थी। तो वो परेशान होकर उसके पास आता है, और वो उसे कहता है कि ये मेरे सोने का वक्त है, तो इस वक्त तुम घर में इस तरह से आवाजें नहीं कर सकती। ये बोलकर वो अपने रूम में वापस चला आता है। अगली सुबह जिंगजी वापस जाने के लिए रेडी होती है, तो नानजो उसे अपना कल का फैलाया हुआ कचरा साफ करने के लिए कहता है। सबसे पहले तो वो उसे टेबल पर गिरा हुआ पानी साफ करवाता है, फिर वो उससे बेडशीट भी ठीक करवाता है जो कि उसने ठीक से फोल्ड नहीं किया होता, और उसे अपना टॉवल ठीक से रखने के लिए कहता है जो कि उसने वॉशरूम के अंदर ऐसा ही फेंका होता है। इसके बाद जिंगजी अपने फ्रेंड जो के घर रहने के लिए चली जाती है, और वो उसे सारी चीजें बताती है। दूसरी तरफ हम जिंगजी के भाई को देखते हैं जो कि कर्ज का थोड़ा पैसा चुकाने के लिए लैंडर्स के पास जाता है। तो लैंडर बताता है कि तुम्हारा पूरा कर्जा किसी ने पहले ही चुका दिया है। जब जुआन उससे उस आदमी का पता पूछता है, तब वो उसे एक लॉयर का कार्ड देता है, इसीलिए जुआन उस लॉयर से मिलने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ उसे गुनानजो दिखता है, और उसे पता चलता है कि असल में उसका कर्जा गुनानजो ने चुकाया है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिंगजी को एक नई जॉब मिल गई है, और यहाँ पर उसे एक हफ्ते के अंदर अंदर उसे एक नए प्रोजेक्ट को सबमिट करना है। ये उसके लिए एक काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसीलिए वो इसे मिस नहीं करना चाहती थी, और उसे पता था कि वो इस काम को इतनी जल्दी नहीं कर पाएगी, इसीलिए वो इसके लिए इनकी हेल्प मांगती है, लेकिन वो उसके काम में उसकी मदद करने के लिए मना कर देता है, क्योंकि वो इसे पसंद करता था और गुनानजा उससे शादी करने वाली थी, लेकिन जिंगजी के बहुत मनाने के बाद भी वो आखिरी में मान ही जाता है। अब जब ये दोनों लोग साथ में होते हैं, तभी नानजो जिंगजी को कॉल करता है और उसे बताता है कि आज शाम को तुम्हें मेरे साथ एक डिनर अटेंड करना होगा, तो तुम कुछ फॉर्मल पहन कर आना। तो जिंगजी जॉब इंटरव्यू जैसे कपड़े पहन कर चली आती है, जो देख कर नानजो को काफी गुस्सा आता है। जैक उसे एडवाइस करता है कि आप इसे एक नया ड्रेस दिलवा दीजिए। अब जैसे ही वो उसे ड्रेस दिलवाने के लिए जा ही रहा होता है, तभी पीछे से वो पर्सन आ जाता है जिसने नानजो को डिनर पर इनवाइट किया था, और वो पूछता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो क्या यही आपकी फियांसे है, जिस पर नानजो हाँ कहता है। अब सभी लोग डिनर करने के लिए चले जाते हैं। डिनर के वक्त जो दूसरी पार्टी होती है, वो नानजो को ड्रिंक करने के लिए कहती है, तो उसका असिस्टेंट उसे मैसेज करते हुए कहता है कि वो ज्यादा ड्रिंक नहीं करता, तो उसके बदले तुम ड्रिंक कर लो, और इसके बदले मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे दूंगा।
जो सुनकर जिंगशी मान जाती है और नानजो की काफी तारीफ करते हुए उसकी जगह खुद ड्रिंक करने लगती है। लेकिन यहाँ पर वो पैसों के चक्कर में कुछ ज्यादा ही ड्रंक हो जाती है और वो बिल्कुल भी कहीं और जाने की हालत में नहीं थी, इसीलिए नानजो उसे अपने घर लेकर जाता है। घर पहुँचने पर हम देखते हैं कि जिंगशी काफी अजीब अजीब हरकतें करने लगती है, कभी वो गाना गाती है तो कभी वो डांस करती है। नानजो उसे काफी हैंडल करने की कोशिश करता है लेकिन वो उसके लिए काफी डिफिकल्ट होती जाती है, लेकिन किसी तरह से वो सो जाती है। उसके सो जाने के बाद नानजो उसके बैग में से एक डायरी निकाल कर पढ़ता है, जिसे देखकर उसे पता चलता है कि जिंगशी एक बहुत ही हार्ड वर्किंग लड़की है और वो बहुत ही कम पैसों में अपने दिन का गुजारा करती है। इतना ही नहीं, वो जरा भी पैसे वेस्ट नहीं करती और उसने एक डायरी के अंदर एक एक चीज लिखी होती है कि उसे कितने पैसे किस किस को लौटाने हैं। ये देखकर उसे उसके लिए काफी ज्यादा बुरा फील होता है कि वो कितनी ज्यादा मिजरेबल लाइफ जी रही है। और तभी हम देखते हैं कि जिंगशी अचानक से उठकर बैठ जाती है और नानजो को देखने लगती है। वो उसे कहती है कि मुझे नूडल्स खाना है, लेकिन तभी उसे वॉमिटिंग होने लगती है, इसीलिए वो उसे उठाकर वॉशरूम लेकर जाता है। वॉमिटिंग करने के बाद वो शावर ऑन कर देती है और अपने साथ साथ उसे भी भिंगा देती है। अब वो उसे किसी तरह से कंट्रोल करके रूम के अंदर लेकर आता है और यहाँ पर वो उसे टॉवल से पोंछता है। और जब वो उसे लेटा कर जाने वाला था तो जिंगशी उसे हक कर लेती है और बोलती है कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे डर लग रहा है। नानजो भी उसे काम डाउन करवाता है और हक करता है और कहता है कि मैं यहीं पर हूँ। फिर वो भी उसके साथ ही लेट जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि जिंगशी का भाई जुआन चाहता था कि आखिर उसने उसका कर्जा क्यों चुकाया। घर के बाहर पहुंचकर वो दरवाजा नॉक करता है लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोलता और उसे दरवाजा खुला हुआ मिलता है तो वो अंदर जाता है, जहां वो देखता है कि नानजो और उसकी बहन एक बेड पर सोए हुए थे और वो देखकर उसे काफी गुस्सा आता है और वो नानजो को एक पंच मारता है। लेकिन तभी जिंगशी उठ जाती है और उसे रोक देती है। अगले सीन में हम इन तीनों को एक साथ बैठकर बात करता हुआ देखते हैं और यहां पर वो उसे बताती है कि मैं नानजो के साथ ड्रिंक कर रही थी और काफी ज्यादा ड्रंक होने की वजह से मैं इसी के घर पर सो गई। तो वो कहता है कि अगर ये तुम्हारे नशे का फायदा उठा लेता तो तुम क्या करती। तो वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, आप गलत समझ रहे हो। और वो यहाँ पर उसे काफी ज्यादा सवाल करने लगता है। तो जिंगशी बता देती है कि हम दोनों एंगेज्ड हैं, जो सुनकर उसका भाई चौंक जाता है और जिंगशी से पूछता है कि आखिर तुम्हें इसके अंदर क्या पसंद आया। तो वो कहती है कि ये बहुत ही हैंडसम है, इसीलिए मुझे इससे प्यार हो गया। जुआन कहता है कि अच्छा तो बताओ कि तुम दोनों पहली बार कब मिले थे। तो इस बात का दोनों ही अलग अलग जवाब देते हैं। वो जिंगशी से नानजाओ के बारे में पूछता है कि बताओ वो कहाँ से पढ़ा है और भी कई सारी चीजें पूछता है। फिर वो नानजाओ से पूछता है कि जिंगशी को क्या क्या पसंद है खाने में, लेकिन वो इन सारी बातों को टालते हुए कहती है कि इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, सिर्फ और सिर्फ यही मैटर करता है। जुआन कहता है कि तुम दोनों को एक दूसरे के बारे में बेसिक चीजें भी नहीं पता तो तुम दोनों का रिलेशनशिप अच्छा नहीं होने वाला। जो सुनकर नानजो कहता है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन अब चिंता मत करो, मैं इसका ख्याल अच्छे से रखूंगा। अब क्योंकि ये टॉपिक काफी हॉट होता जा रहा था तो जिंगशी नानजो को अंदर भेज देती है और भाई से अपने अकेले में बात करने लगती है। अब वो उसे बताती है कि जिंगशी ने मुझे बहुत ही रोमांटिक अंदाज में प्रपोज किया था, जहाँ वो एकदम हीरो की तरह दिख रहा था, इसीलिए मैं उस पर फिदा हो गई और उससे प्यार करने लगी। मैं उसके साथ काफी खुश हूँ, इसीलिए तुम उस पर शक मत करो। और वो उसे किसी भी तरह से कन्विंस करके उसे वहाँ से भगा देती है। उसके जाते ही वो घुस से बोलती है कि फिलहाल तो मैंने अपने भाई को भेज दिया है, लेकिन वो फिर से हमें दोबारा चेक करने के लिए आएगा, तो क्या मैं कुछ दिन यहीं पर रह सकती हूँ और उसके सामने हमें एज अ रियल कपल बिहेव करना होगा। और तभी ये यहाँ पर उसे एग्रीमेंट याद दिलाता है और कहता है कि पार्टी ए पार्टी बी को किसी भी चीज के लिए परेशान नहीं कर सकता। तो वो कहती है कि पार्टी ए पार्टी बी से रिक्वेस्ट तो जरूर कर सकती है, इसीलिए तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, प्लीज मेरी बात मान जाना, और अगर तुम मेरी बात मान गए तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। जो सुनकर नानजो उससे 20 क्लॉज और लिखवाता है, जैसे कि उसे घर की पूरी साफ सफाई करना, सारा सामान घर के लिए खरीदना होगा और कुकिंग भी करनी होगी, बर्तन धुलने होंगे, कपड़े भी धुलने होंगे। वो इतना ज्यादा परेशान हो जाती है जो देख के नानजो कहता है कि ठीक है, तुम इस दरवाजे से वापस जा सकती हो, कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर रुकने की। अब क्योंकि इस लड़की के पास कोई और रास्ता नहीं है, इसीलिए बेचारी मान जाती है। अब जिंगशी अपने फ्रेंड से मिलती है और उसे बताती है कि उसके साथ रहना एकदम टॉर्चर की तरह है, वो मुझसे बहुत ज्यादा काम करवाता है और नाइट में जब मुझे क्रेविंग होती है तो मैं कुछ खा भी नहीं सकती क्योंकि उसने मुझे मना करके रखा है, और न ही मैं थोड़ी सी भी आवाज़ कर सकती हूँ। इसके अलावा मैं चीजों को आधा खा कर नहीं छोड़ सकती। वो कहती है कि ये सब कर करके मैं तो पागल ही हो गई हूँ। अगले दिन हम नानजो को उसकी कंपनी में देखते हैं, जहाँ पर वो एक फाइनेंसियर से बात कर रहा होता है। वो उसे एक अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में बताता है जिसका नाम लेक था। वो उसे काफी सालों से बनाना चाहता था लेकिन इसके लिए काफी खर्च आएगा, इसीलिए वो इस बारे में इन्वेस्टर से बात करता है।
सीन में हम जिंक्सी को उसकी ऑफिस में देखते हैं जो कि उसके लिए लंच लेकर आई थी और वो उसके साथ खाते हुए फोटो क्लिक करती है ताकि वो अपने भाई को यकीन दिला सके कि वो दोनों सच में डेट कर रहे हैं। लेकिन नांजो उसे इस तरीके से फोटो क्लिक करने से मना कर देता है और उसका फोन लेकर फोटो डिलीट करने लगता है। अब जिंक्सी उसे बताती है कि तुम्हारी मदर का मुझे फोन आया था और वो उससे हम दोनों के बारे में पूछ रही थी। ये बातें सुनकर नांजो उसे कह देता है कि आज शाम को हम बाहर चलेंगे, जो सुनकर सिंगशी काफी खुश हो जाती है और शाम को वो उसे एक गेमिंग सेंटर में लेकर जाती है जहाँ जिंगशी काफी एंजॉय कर रही थी। लेकिन नांजो शांत खड़ा था और जब वो उसे गेम खेलने के लिए फोर्स करती है तो उसे भी काफी मजा आने लगता है। अब वो दोनों साथ में काफी गेम्स खेलते हैं और बहुत ही एंजॉय करते हैं। इसके अलावा वो काफी सारे फोटोज भी क्लिक करते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि वो सुबह सुबह उठकर उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाती है जिसकी आवाज सुनकर उसे काफी ज्यादा इरिटेशन होती है। इसी वजह से वो सो नहीं पाता, इसीलिए वो गुस्से में उठकर बाहर आता है और यहाँ पर वो टेबल पर ब्रेकफास्ट लगा हुआ देखता है और उसके साथ एक नोट भी था जिसमें लिखा हुआ था कि ब्रेकफास्ट कर लेना। ये देखकर उसे काफी अच्छा लगता है। दूसरी तरफ पर जिंगशी उसके साथ क्लिक किए हुए फोटोज को डिस्प्ले पर लगा देती है और उसी वक्त उसका भाई वहाँ पर आता है और इन सारी फोटोज को देखकर उसे यकीन हो जाता है कि वो दोनों सच में एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। अब वो नांगजाओ से मिलता है और वो उसे बताता है कि जो भी पैसे तुमने मेरे लिए चुकाए हैं उसे मैं तुम्हें इंटरेस्ट के साथ वापस कर दूंगा, लेकिन धीरे धीरे करके तुम मेरी बहन का ख्याल रखना क्योंकि मैंने उसे काफी नाजों से पाला है। और वो उसे एक डायरी देकर बताता है कि मैंने उसे किस तरह से पाला है, इसमें सारी चीजें लिखी हुई है, इसीलिए तुम भी इन बातों का ध्यान रखना। वो उसे इस डायरी को देकर यहाँ से चला जाता है। रात में हम देखते हैं कि नांजो अपने फ्रिज में रखे जंक फूड को नोटिस करता है, इसीलिए वो उसे डस्टबिन में फेंक देता है। अब जब वो दवाई खाने के लिए जा रहा होता है तभी उसकी डोर बेल बजती है और उसकी दवाई पानी में गिरकर मिक्स हो जाती है। वो जब दरवाजा खोलता है तो देखता है कि वहाँ पर एक डिलीवरी बॉय था और वो कुछ नूडल्स लेकर आया था। तो नांगजो कहता है कि ये मुझे नहीं चाहिए, ये बोलकर दरवाजा बंद कर देता है। जब जिंगशी वहाँ पर आती है तो वो उससे पूछती है तो क्या तुमने डिलीवरी ले ली, तो वो कहता है कि मेरे घर पे जंक फूड खाना अलाउ नहीं है। ये बोलकर वो अपने रूम में चला जाता है। ये सुनकर जिंगशी को काफी गुस्सा आता है। वो फ्रिज में जाकर देखती है कि उसने एक पार्सल रखा हुआ था, लेकिन उसे पता चलता है कि नांगजो ने उसे भी फेंक दिया। इस वजह से उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अब जब नांगजो अपने रूम में होता है तो उसे अचानक से कुछ आवाजें आती हैं, जो सुनकर उसे लगता है कि शायद आज उसने सिंगसी को कुछ ज्यादा ही कह दिया, इसलिए वो बाहर चेक करने के लिए जाता है। लेकिन वो फ्लोर पर जिंगशी को बेहोश पड़ा हुआ पाता है और उसके सामने एक ग्लास पड़ा हुआ होता है और अब वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है और डॉक्टर उसे बताते हैं कि एक टैबलेट के एलर्जिक रिएक्शन की वजह से उसकी ये हालत हुई और अच्छा हुआ कि आप उसे समय से यहाँ पर ले आए, इसीलिए अब वो पहले से बेहतर है, लेकिन उन्हें ऑब्जर्वेशन के लिए 2 दिन तक रखना होगा। और ये सुनकर उसे याद आता है कि उसकी दवाई पानी के ग्लास में मेल्ट हो गई थी जिसे जिंगसी ने पी लिया था, तो उसी के वजह से उसकी ये हालत हो गई है। ये सब सोचकर नांजो को बहुत ही बुरा लगता है। अगली सुबह जब जिंगशी को होश आता है तो वो उससे पूछती है कि मैं हॉस्पिटल में क्या कर रही हूँ, तो वो उसे बताता है कि तुम कल रात को बेहोश हो गई थी, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ। जिंगशी कहती है कि मैं तो काफी सालों से बीमार नहीं हुई, तो फिर आज मुझे क्या हो गया। लेकिन यहाँ पर नांगजो उसकी बातों को टाल देता है और तभी उसे याद आता है कि उसे अपने ऑफिस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट सबमिट करना है, इसीलिए वो बेड से उठकर जाने की कोशिश करती है, लेकिन नांगजो उसे पकड़ लेता है और धक्का मुक्की में वो उसके ऊपर गिर जाता है और दोनों लोग एक दूसरे को बस देखते ही रह जाते हैं। लेकिन तभी नांगजो अचानक से खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम्हें क्या क्या चीजें की जरूरत है मुझे बता दो, मैं तुम्हें यहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगा, जो सुनकर वो बहुत सारी चीजों की लिस्ट बना देती है। लेकिन नांगजो उसके लिए सिर्फ कंप्यूटर टेबल और लैपटॉप मंगवाने का बोलता है और अपने असिस्टेंट को घर जाकर उसका सामान लाने के लिए कहता है और तभी वहाँ पर जिन भी आ जाती है। तो जैंग उसे बताता है कि जिंगशी बीमार है, इसलिए उसका कुछ सामान मुझे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा, जो सुनकर वो कहती है कि मुझे लड़कियों के बारे में ज्यादा पता है कि उसे क्या क्या सामान की जरूरत हो सकती है, इसलिए मुझे भी तुम्हारे साथ चलना चाहिए। अब वो जियांग के साथ हॉस्पिटल पहुंचती है और यहाँ वो जिंगशी को फ्रूट्स काट कर खिलाती है और वो उसे बताती है कि नांगजो को भी मैं ही फ्रूट्स काट कर खिलाती हूँ, वो बहुत ही ज्यादा पिकी है, उसे फ्रूट्स एकदम परफेक्ट शेप में चाहिए। और तभी वहाँ पर नांगजो आ जाता है जो कि उससे कहता है कि मैं सुपरमार्केट से कुछ लेने के लिए जा रहा हूँ और अगर तुम्हें कुछ मंगाना है तो तुम मुझे बता दो। तो जिंगशी उसे फालतू की चीजें बताने लगती है जैसे कि मेरे लिए स्प्रेंचेस ले आना और चिप्स वगैरह कोल्ड ड्रिंक वगैरह।
और वो उसे सैनिटरी नैपकिन लाने के लिए भी कहती है। ये सब सुनकर वो काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो जाता है और वहाँ से निकल पड़ता है। सुपरमार्केट में आकर वो उसका बताया हुआ सारा सामान खरीदता है, इवन के सैनिटरी नैपकिन भी, जो देखकर जैंग बोलता है कि आप उसकी कितनी केयर करते हो, कि आप सचमुच से प्यार करने लगे हो। लेकिन नांगजो उसकी बातों को टाल देता है। हॉस्पिटल वापस आने के बाद वो अपने सेक्रेटरी और जियांग को वापस भेज देता है और खुद जिंगशी के पास ही रुकता है। वो कहती है कि तुम भी अपने काम पर जा सकते हो और मुझे अकेले में काम करना ज्यादा पसंद है। उसकी जाते ही वो येन को साथ में काम करने के लिए कॉल करती है और उसे आते हुए खाने के लिए जंक फूड भी लाने के लिए कहती है। येन आते हुए पूछता है कि वो हॉस्पिटल में क्यों है, तो जिंगशी उसे बता देती है कि वो बेहोश हो गई थी, इसीलिए वो हॉस्पिटल में है। और अब वो दोनों साथ में काम करने लगते हैं। इसी बीच वहाँ पर नांगजो आता है, जो देखता है कि जिंगशी को जो ट्रिप लगी हुई है वो खत्म हो गई है। ये देखते ही वो काफी पैनिक करने लगता है और येन को डांट लगाते हुए कहता है कि अगर तुम उसकी केयर नहीं कर सकते तो तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। और तभी नर्स वहाँ पर आकर नई ट्रिप लगा देती है। लेकिन नांगजो अभी भी येन को डांट ही जा रहा था, लेकिन येन भी अब चुप नहीं रहता और कहता है कि अगर तुम्हें इसे इतनी ही फिक्र है तो तुम इसे छोड़कर ही क्यों गए। अब ये सब सुनकर वो उसे मार नहीं जा रहा था, लेकिन जिंगशी उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि प्लीज नाराज मत हो, मैं काम खत्म होने के बाद वो यहाँ से चला जाएगा। इसलिए नांगजो येन के साथ ही बैठ जाता है। यहाँ ये इन दोनों को साथ में काम करता हुआ देखकर काफी जेलस फील करता है। और जैसे ही जिंगशी का काम खत्म होता है तो वो येन को यहाँ से जाने के लिए कहता है। और तभी जिंगशी को उसके भाई का कॉल आता है और वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ और तुम्हें खाना देने के लिए आया हूँ। जिंगशी बहाना करते हुए कहती है कि मैं तो अभी ऑफिस में हूँ और आज मैं ओवर टाइम करूंगी, इसीलिए तुम घर वापस चली जाओ। तो उसका भाई कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें ऑफिस में ही खाना देने चला आऊंगा। लेकिन जिंगशी कह देती है कि मैं अभी इम्पोर्टेंट मीटिंग में हूँ और ये बोलकर फोन कट कर देती है। फिर वो अपने फ्रेंड जू को कॉल करती है और कहती है कि प्लीज तुम मेरे भाई को नांगजो के घर किसी भी तरह आने से रोक लो, क्योंकि मैं अभी हॉस्पिटल में एडमिट हूँ और मैं अभी यहाँ से नहीं जा सकती और मैं नहीं चाहती कि मेरे भाई को इन सब चीजों के बारे में पता चले। एक तरफ जू जियांग को अपना अगले दिन मॉडल बनने के लिए कहती है और अगले दिन वो उसे अपने साथ फ्लावर अरेंजमेंट क्लास में लेकर जाती है। यहाँ काम खत्म होने के बाद वो जिंगशी से मिलने के लिए जाने वाला था, लेकिन तभी जू बहाना करके कहती है कि उसके पेट में काफी दर्द हो रहा है। ये देखकर वो कहता है उसे हॉस्पिटल चलने के लिए, लेकिन जू मना करती है। लेकिन वो उसे जबरदस्ती अपने पीठ पर बैठा कर हॉस्पिटल ले जाने लगता है। दूसरी तरफ हम जिंगशी और शियान को हॉस्पिटल में वॉक करता हुआ देखते हैं और यहाँ वो उसे बताता है कि आज तुम्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। ये सुनकर वो काफी खुश हो जाती है। तभी वो सू और अपने भाई को हॉस्पिटल में आता हुआ देखती है और सू भी जिंगशी को देख लेती है, इसीलिए वो उसे गले लगा कर कहती है कि मुझे काफी दर्द हो रहा है। और जिंगशी भी उसे देख कर उसके साथ एक बोर्ड के पीछे छिप जाती है। और यहाँ हम फिर से इन दोनों को एक बार फिर से क्लोज देखते हैं। जू को डॉक्टर से दिखाने के बाद पता चलता है कि वो तो एकदम बिल्कुल ठीक है, इसीलिए वो सीधा जिंगशी के पास पहुंच जाता है। जिंगशी और जिंगशी शियान के सामने ऐसे एक्टिंग करते हैं जैसे कि वो दोनों काफी अच्छे कपल हों। जिंगशी नांगजो को डार्लिंग बुलाती है और उसके लिए जूस लाने को कहती है, तो नांगजो उसके लिए जूस बना कर लेकर आता है। अब उन दोनों का ऐसा बिहेवियर देख कर जुआन को कन्फर्म हो जाता है कि वो दोनों सच में एक रिलेशनशिप में है और वो वहाँ से चला जाता है। जिंगशी जब अपने भाई को छोड़ कर आती है तब वो अपने भाई से कहती है कि अब मेरे भाई को यकीन हो गया है कि हम रिलेशनशिप में हैं, इसीलिए अब वो यहाँ पर आकर हमें तंग नहीं करेगा और इतने दिनों तक तुमने जो मेरी हेल्प करी उसके लिए बहुत ही थैंक यू। वैसे मैंने जितना सोचा था तुम उतने भी बुरे नहीं हो, लेकिन अब मैं तुम्हें और ट्रबल नहीं करना चाहती, इसलिए मैं कल सुबह यहाँ से चली जाऊंगी। ये सुनकर नांगजो थोड़ा सोच में पड़ जाता है। देखने में लगता है कि वो थोड़ा उदास है। वो कहता है कि ठीक है, लेकिन अपना सामान समेट कर जाना। रात में हम नांगजो को देखते हैं जो कि बहुत ही परेशान होता है, क्योंकि उसके दिमाग में ये चल रहा होता है कि अब वो इस घर से चली जाएगी और अब वो उसके साथ बिताए हुए मोमेंट्स को याद करता है। एक तरफ जिंगशी भी पूरे घर की साफ सफाई कर रही थी और वो भी नांगजो के साथ बिताए हुए मोमेंट्स को याद करती है। अगली सुबह जिंगशी अपना सारा सामान पैक करके नांगजो के रूम में एक नोट रखने के लिए जाती है। तभी वो वहाँ पर नोट रखा हुआ देखती है और उस पर छपे हुए नंबर को देखकर वो सोचती है कि उसने ये पहले कहीं देखा है। वो सोच ही रही थी कि उसने ये कहाँ देखा है, लेकिन तभी उसे घर में किसी के आने की आवाज आती है, इसीलिए अब वो बाहर हॉल में जाती है और यहाँ वो देखती है कि नांगजो की मदर आई है। मदर जिंगशी से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, लेकिन जिंगशी उनकी बातों को टालते हुए कहती है कि मैं आपके लिए
कहानी लेकर आई हूँ। और मदर इस बात से काफी खुश थी कि वो दोनों साथ में रह रहे हैं। और तभी वो जिंगशी से पूछती है कि तुम ये सामान लेकर कहाँ जा रही हो, और वो बोल देती है कि वो यहाँ से जा रही है। जो सुनकर मदर कहती है कि क्या तुम दोनों का झगड़ा हुआ है। वो कहती है कि तुम चिंता मत करो, अगर वो तुम्हें घर से बाहर निकालेगा तो मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगी। दूसरी तरफ हम नांगजो को उसके ऑफिस में देखते हैं, जो कि अभी भी उदास होता है। और यहाँ पर वो बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग में होता है, लेकिन हम देखते हैं कि उसका ध्यान मीटिंग में बिल्कुल भी नहीं होता, और वो तो सिर्फ जिंगशी के घर छोड़कर जाने के बारे में ही सोच रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट आती है और कहती है कि जिंगशी आपसे मिलने के लिए आई है। ये सुनते ही वो फटाफट मीटिंग छोड़कर उससे मिलने के लिए जाता है। और यहाँ पर वो उसे कहती है कि मैं अब तुम्हारा घर छोड़कर नहीं जा सकती, क्योंकि मैंने सुबह जाने के लिए अपना पूरा सामान पैक कर लिया था और मैं बस जाने ही वाली थी। लेकिन आपकी मॉम आ गई और उन्होंने कहा कि अगर तुम मुझे घर से निकालोगे तो वो तुम्हारी टांगे तोड़ देंगी, और अब मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। ये सुनकर नांजो बहुत खुश होता है, लेकिन बिल्कुल भी अपने चेहरे पर दिखाता नहीं। जिंगशी कहती है कि तुम चिंता मत करो, हम दोनों कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे, और जब तक मैं तुम्हारे घर पर हूँ उसका मैं तुम्हें रेंट पे करूंगी। जिंगशी कहती है कि तुम जो बोलोगे मैं वो काम करूंगी, और मैं इसका तुमसे कोई पैसा भी नहीं लूंगी। लेकिन अपनी बातों से नांजो को कन्विंस ना होता हुआ देखकर जिंगशी उसके सामने इमोशनल ड्रामा करने लगती है। तो नांजो उसे रोक कर कहता है कि तुम मेरे घर में रह सकती हो, जो कर जिंगशी खुशी से पागल हो जाती है। इसके बाद नांगजो को उसकी मदर का कॉल आता है, जो कि उसे मिलने के लिए बुलाती है। तो नांगजो अपनी मदर से मिलने के लिए जाता है। मदर पूछती है कि तुम्हारे और जिंगशी के बीच में क्या चल रहा है, क्या तुम दोनों सच में डेट कर रहे हो। तो नांगजो हाँ बोलता है, जो सुनकर मदर थोड़ा ड्रामा करने लगती है और कहती है कि क्या तुम ये सब अपने फादर की आखिरी इच्छा के लिए कर रहे हो, और अगर ऐसा है तो तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। लेकिन नांगजो बोल देता है कि मैं सच में उसके साथ रहना चाहता हूँ, और ये सुनकर उसकी मदर काफी खुश हो जाती है और कहती है कि मैं भी यही चाहती थी, क्योंकि मुझे पहली नजर में ही जिंगशी काफी पसंद आ गई थी और वो तुम्हारे लिए एक अच्छी पार्टनर है। यहाँ पर वो उसे ये भी कहती है कि और नेक्स्ट टाइम से अगर तुमने उससे फाइट किया या फिर उसे घर से निकाला तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। ये सब सुनकर वो काफी ज्यादा खुश होता है, लेकिन अपने चेहरे पर थोड़ा सा भी शो नहीं करता। रात को जब वो अपने ऑफिस से घर लौट रहा होता है, तभी उसे जिंगशी का मैसेज आता है, जो कि उसे डिनर पर इनवाइट करती है, क्योंकि उन दोनों ने उसकी हॉस्पिटल में काफी मदद की थी। आगे हम देखते हैं कि डिनर करने के लिए जंग अकेला आता है, क्योंकि जिंग की तबीयत खराब थी। यहाँ पर वो उसे उसके घर में रखने के लिए जो को थैंक्स बोलती है। जियांग कहता है कि तुम तो बहुत ही स्मार्ट निकली, बस डिनर करा के थैंक यू बोल रही हो। तो वो कहती है कि अच्छा बताओ तो फिर मुझे क्या करना चाहिए। जियांग कहता है कि तुम्हें इनसे शादी कर लेनी चाहिए, जो सुनकर नांजो शर्मा जाता है और जिंगशी उसे चुप करा देती है। फिर जिंगशी उसे खाने के लिए क्रैब्स देती है, जो कि उसने उसी के लिए बनाए थे, और यहाँ पर जियांग सारा क्रैब्स खा जाता है। इसके बाद हम इन दोनों को ड्राइंग रूम में रीड करता हुआ देखते हैं। अब यहाँ पर उसने जो उस रूम में लेटर देखा था, वो उस लेटर के बारे में उसे समझ में आ जाता है। उसे थोड़ा डाउट होता है, इसीलिए वो उसके पास पूछने के लिए जाती है, और वो उससे पूछती है कि क्या तुम लेटर लिखा करते हो। लेकिन जिंगशी मना करके वहाँ से उठकर चला जाता है, और वो कुछ फाइल्स लेकर वापस आता है और जिंगशी के सामने रखकर उसे कहता है कि अब से तुम एक हफ्ते के लिए मेरी असिस्टेंट बनोगी, जो सुनकर वो कहती है कि मैं भला तुम्हारी असिस्टेंट क्यों बनूंगी। अब नांगजो यहाँ पर उसे जैंग का एक वॉइस मैसेज सुनाता है, जिससे हमें पता चलता है कि उसने जो क्रैब्स बनाए थे वो नहीं खाकर उसे फूड पॉइजनिंग हो गई है, और अब वो कुछ दिनों तक ऑफिस नहीं आ सकता। नांगजो उसे कहता है कि अब क्योंकि तुम्ही ने उसकी तबीयत खराब की है, इसीलिए तुम्हें ही उसका काम करना होगा, और कहता है कि कल मेरी एक इम्पोर्टेंट कंपनी के साथ मीटिंग है, इसीलिए मुझे 6:30 बजे उठा देना। अगली सुबह हम देखते हैं कि 6:30 बजे का अलार्म बजता है, लेकिन जिंगशी उसे बंद करके दोबारा से सो जाती है, और जब तक वो उठती है तब तक 7:50 हो चुके थे, जो देखकर वो जल्दी से भागकर नांगजो को उठाती है। जब नांगजो उठकर टाइम पूछता है तो वो उसके ऊपर काफी गुस्सा करता है, लेकिन जिंगशी कहती है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें टाइम से मीटिंग में पहुंचा दूंगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिंगशी फटाफट से रेडी होकर आ जाती है, लेकिन नांगजो तो आराम आराम से तैयार हो रहा होता है, और वो उसे कहती है कि तुम लड़के होकर तैयार होने में इतना टाइम लगाते हो, और अब वो फटाफट से उसे रेडी करती है, और अब वो कार बहुत तेज ड्राइव करके उसे मीटिंग के लिए ले जाने लगती है। पर क्योंकि रास्ते में थोड़ा टाइम बचा था, इसलिए वो लोग ब्रेकफास्ट के लिए रुकते हैं, लेकिन नांगजो वहाँ पर ब्रेकफास्ट नहीं करता, क्योंकि उसे वहाँ का खाना अनहाइजीनिक लगा। अब जैसे ही वो कार के पास आता है तो वो देखता है कि उसकी कार के आगे किसी ने अपनी कार पार्क कर दी है, इसलिए अब उनकी कार वहाँ से नहीं निकल सकती। ये देखकर वो गुस्सा करने लगता है, क्योंकि अब वो लोग मीटिंग के लिए लेट होने वाले हैं, इसलिए अब वो उसे एक रिक्शे में बैठाकर मीटिंग के लिए लेकर जाती है।
खैर नेक्स्ट सीन में मीटिंग वगैरह कंप्लीट करके ये लोग रात में डिनर कर रहे होते हैं, तो आज जिनशी ने नूडल मंगाया होता है और ये उसे नूडल खाने के लिए कहती है, लेकिन वो मना कर देता है। वो स्पून में नूडल्स डालकर उसे खिलाती है जो उसे बहुत ही पसंद आता है और अब वो भी खाना शुरू कर देता है। दोनों लोग एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं नूडल्स खाने के लिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सीनियर कलीग आकर उसे बताती है कि उसकी फियांसी को अवार्ड रिसीव करने के लिए बुलाया जा रहा है और ये काफी अच्छा प्रोजेक्ट है उसके ड्रीम प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर काफी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आए होंगे, जो सुनकर नाजो मान जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सीनियर कलीग इसके घर आई होती है और ये इसे वापस से ऑफिस जाने के लिए कहता है कि ऑफिस में बहुत काम है, तुम यहाँ पर बहुत देर तक रुक ले। तो ये कहती है कि आप पहले अपना ख्याल रखिए, मैं ऑफिस के सारे काम हैंडल कर लूंगी। और ये इसका फोन में देखती है कि इसकी फियांसी का कॉल आ रहा होता है, लेकिन ये उसे नहीं बताती। जिन अब उसे कहती है कि तुम अपने सारे कॉल्स मेरे फोन पर ट्रांसफर कर दो, मैं सारे रिसीव करूंगी और तब तक के लिए तुम रेस्ट करो। तो नानजो उसे जिनसी को इन्फॉर्म करने के लिए कहता है कि वो जल्द से जल्द घर आ जाए, लेकिन ये ऐसा कुछ भी नहीं करती। दूसरी तरफ जिनसी घर जाने के बारे में सोच ही रही थी, तभी यूना उसके पास आता है जो कि उसे अपने साथ कुछ काम के लिए ले जाता है। काम करते करते रात हो जाती है। जब वो रात में घर पर आती है तो यहाँ पर वो बहुत ही गुस्सा करता है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं कहता। वो बस उसे इतना कहता है कि कल तुम्हें मेरे साथ एक अवार्ड सेरेमनी में चलना है, जिसके बारे में तुम जिन से पूछ सकती हो। ये सब बोलकर वो अपने रूम में चला जाता है। जिनसी उसे कॉल करके पूछती है कि अवार्ड सेरेमनी में मुझे क्या पहन कर आना चाहिए, तो जिन उसे झूठ बोल देती है कि कुछ भी नॉर्मल सा पहन कर आ सकती हो, जो भी तुम्हें कंफर्टेबल लगे। और ये ऐसा जानबूझकर उसे कहती है। अगले दिन जिनसी कैजुअल ड्रेस पहनकर सेरेमनी में पहुंच जाती है और यहाँ नानजो उसे इस तरह से देखकर बहुत ही गुस्सा करता है और कहता है कि तुम ये क्या पहन कर आई हो। जिनसी कहती है कि मुझे ऐसा ड्रेसिंग करने के लिए इसी ने तो कहा था। तो जिन उसकी बात टालते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था कंफर्टेबल कपड़े पहनने के लिए, तुम तो बहुत ज्यादा ही कंफर्टेबल पहन कर आ गई। जिन अब उससे पूछती है कि तुम इसे ऐसे तो नहीं ले जा सकते, तो वो कहता है कि तुम ही मेरे साथ चलो। ये देखकर जिनसी को उसके ऊपर काफी गुस्सा आता है और अब वो समझ जाती है कि ये सब उसका प्लान है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर उसे लाइक करती है और वो एज अ फियांसी स्टेज पर जाकर अवार्ड सेरेमनी में अवार्ड रिसीव करना चाहती है। अब अवार्ड सेरेमनी में जब नानजो की कंपनी का नाम अनाउंस किया जाता है, तो उसकी फियांसी को अवार्ड लेने के लिए बुलाया जाता है, जो सुनकर जिन खड़ी हो जाती है। लेकिन तभी सारे रिपोर्टर्स दरवाजे की तरफ भागते हुए जाते हैं और यहाँ हम देखते हैं कि जिनसी बहुत ही सुंदर सा ड्रेस पहनकर आ रही होती है और सभी लोग उसे देखते रह जाते हैं, क्योंकि वो काफी ज्यादा ग्लैमरस लग रही होती है। और वो जिन के पास आकर रुकती है और जिन उसे स्क्रिप्ट देती है, जिनसे कहती है कि इसकी जरूरत तुम्हें है ना कि मुझे, क्योंकि मैं अपनी लिविंग खुद अर्न करती हूँ और मैं अच्छे से जानती हूँ कि लोगों को कैसे हैंडल करना है। वो स्टेज पर जाकर नानजो की कंपनी की काफी तारीफ करती है, उसे काफी प्रमोट करती है। ये सब देखकर नानजो काफी खुश हो जाता है और तभी नानजो के पास एक इन्वेस्टर आता है और उसे कहता है कि मुझे आपकी कंपनी बहुत पसंद आई और मैं इसमें इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, और उसे अपना कार्ड देकर चला जाता है। इसके बाद नानजो जिनसी के पास जाकर उसे बताता है कि तुमने आज हमारी कंपनी के बारे में बहुत ही अच्छा बोला, तुम्हारी वजह से एक इन्वेस्टर ने हमारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है और वो इसके लिए उसे थैंक्स भी कहता है। यहाँ पर जिन उनकी बातें छिप कर सुन लेती है और इस वजह से इन्हें पता चल जाता है कि ये दोनों एक फेक रिलेशनशिप में है, सिर्फ और सिर्फ शो ऑफ कर रहे हैं। अब यहाँ पर इन दोनों को एक मीटिंग में जाना होता है, लेकिन मीटिंग में जाने के लिए ये लोग देखते हैं कि इन लोगों की कार ही नहीं है, सर्विसिंग के लिए गई हुई है। वो कैब बुक करते हैं, लेकिन उसे भी आने में टाइम लगता है। यहाँ जल्दबाजी में ये पेन ड्राइव लेना भूल ही जाती है, जो कि मीटिंग का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। वे दोनों बस स्टॉप पे आते हैं और ये कहता है कि मैं बस से मीटिंग में तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। वो कहती है कि बस से ही जाना पड़ेगा। अब जब ये बस में बैठती है तो इसे पता चलता है कि मीटिंग में जो पेन ड्राइव लेकर जाना था, ये तो ऑफिस में ही छूट गया। इसीलिए अब वो ऑफिस में फोन करके उस पेन ड्राइव को किसी को लाने के लिए कहती है। नेक्स्ट सीन में हम इन दोनों को मीटिंग में देखते हैं, जहाँ पर जिनसी पेन ड्राइव का ही वेट कर रही थी और अपने फोन से मैसेज किए जा रही थी। तो जिनसी को बिजी देखकर वो खुद ही लैपटॉप लेकर प्रेजेंटेशन को प्ले करने लगता है, लेकिन उसके अंदर प्रेजेंटेशन नहीं बल्कि वो कैरेक्टर था जो कि जिनसी ने बनाया था। वो देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और पूछते हैं कि क्या ये जिंकलिंग का कोई नया कैरेक्टर है, जिस बात का नानजो के पास कोई भी जवाब नहीं होता। लेकिन जिनसी किसी तरह से बात को संभाल लेती है और प्रोजेक्ट लिंकसिंग के बारे में बताने लगती है और कहती है कि उसका जो मेन कैरेक्टर है वो मिस्टर गू से इंस्पायर्ड है और जो फीमेल लीड है वो मुसेन का इंस्पायर्ड है। इसी बीच वो अपने और उसके लव स्टोरी के बारे में भी बताने लग जाती है कि कैसे नानजो ने उसे फायरबर्ग्स के बीच में आकर प्रपोज किया था, जो सुनकर वहाँ बैठी हुई फीमेल काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है।
और उसे अपनी लव स्टोरी के बारे में और बताने के लिए कहती है। जो सुनकर नॉन्जो उसकी तरफ स्माइल करते हुए देखता है और वो समझता है कि जिंगशी उससे प्यार करने लगी है। अब जब ये दोनों लिफ्ट में होते हैं तो ये यहाँ पर एग्रीमेंट बनवाने के लिए कहता है, जो सुनकर जिंगशी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और नॉन्जो को हक कर लेती है क्योंकि वो कंपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हो गई थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियांग ऑफिस वापस आ जाता है और यहाँ पर वो उसे बताता है कि तुम्हारी एब्सेंस में जिंगशी मेरे साथ बहुत दिन तक काम की है, फिर शायद वो मुझसे प्यार करने लगी है। अब जब जिंगशी यहाँ से जा रही होती है तो ऑफिस के सभी एम्प्लॉय काफी दुखी होते हैं और वो उसे एक बहुत ही अच्छा सा फेयरवेल देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जेंगजो उसे बहुत ही ज्यादा मिस करने लगता है। जेंग उसके पास आता है और कहता है कि जिंगशी तो यहाँ से चली गई, लेकिन शायद वो आपके दिल में काफी सारी मेमोरीज बना कर गई है और आज पूरे 34 बार आप उसका नाम ले चुके हो। रात में हम जिंगशी को घर पर देखते हैं जो की उसके एम्प्लॉयज के साथ वी चैट पर बात कर रही होती है और यहाँ वो लोग नॉन्जो के बारे में काफी बातें कर रहे थे कि वो तो काफी खड़ूस है ऐसा वैसा। ये सारी चीजें नॉन्जो देख लेता है और उसका फोन छीन लेता है और उसका एग्रीमेंट का एक बताते हुए कहता है कि वो पार्टी एक ही इमेज को हम नहीं कर सकते। जिंगशी कहते हैं कि वो तो गलत समझ रहे हैं, वो तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। नॉन्जो उसे भी ग्रुप में ऐड करने के लिए कहता है। नॉन्जो को जैसे ही ग्रुप में ऐड किया जाता है तो सभी लोग ग्रुप चैट छोड़ छोड़ कर भाग जाते हैं और एक दूसरा ग्रुप बनाकर उसमें जिंगशी को ऐड करते हैं, जहां वो लोग उससे पूछते हैं कि उसने उसको क्यों ऐड किया। वो कहती है कि वो मैंने नहीं किया बल्कि नॉन्जो ने खुद ही किया क्योंकि उसने चैट्स पढ़ लिए थे। जो सुनकर एम्प्लॉयज कहते हैं कि आखिर नॉन्जो ने तुम्हारे चैट्स कैसे पढ़ लिए, और नॉन्जो भी इस ग्रुप में ऐड होता है और अवार्ड सेरेमनी वाला वीडियो ग्रुप के अंदर भेज देता है जिसमें जिंगशी नॉन्जो की फियांसे बनकर आई थी, जिससे सभी लोगों को पता चल जाता है कि जिंगशी नॉन्जो की फियांसे है। और तभी उनके घर की डोर बेल बजती है और जिंगशी भागकर दरवाजा ओपन करने लगती है और जिंगशी भागकर अपना ऑर्डर रिसीव करती है क्योंकि उसने जंक फूड मंगाया होता है। यहाँ पर वो उसे ऐसा खाने के लिए मना करता है तो वो उसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती है कि उसने इतने दिन से खूब हार्ड वर्क किया है तो प्लीज आज के दिन वो उसे जंक फूड खाने दे। नॉन्जो कहता है कि ठीक है, खाने के बाद सब कुछ क्लीन कर देना। इसीलिए निंदी खाने के बाद सारी क्लीनिंग कर देती है, लेकिन वो गलती से एक रूबिक्स क्यूब को भी कचरे के डब्बे में डाल देती है। अगली सुबह यन जिंगशी के घर आता है उसे खाना देने के लिए और यहाँ पर जब ये सुबह सुबह इससे पूछता है कि यहाँ पर रखा हुआ क्यूबिक कहाँ गया तो उसे याद आता है कि शायद उसने डस्टबिन में डाल दिया और जब वो चेक करती है तो उसे फिर से याद आता है कि उसने कचरा तो सारा बाहर फेंक आया है। ये सब सुनकर नॉन्जो को काफी गुस्सा आता है। जिंगशी इस बात को बहुत ही कैजुअली लेती है और कहती है कि मैं तुम्हें एक दूसरा खरीद दूंगी, जो सुनकर उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि आइंदा से तुम मेरी चीजों को हाथ मत लगाना और अगर तुम ऐसा नहीं कर सकती तो तुम मेरे घर से चली जाओ। और तभी येन बीच में आता है और कहता है कि तुम इसके साथ तरह से बिहेव नहीं कर सकते क्योंकि ये तुम्हारी फियांसे है। ये सब सुनकर वो गुस्से में अपने ऑफिस निकल जाता है। नॉन्जो को गुस्से में देखकर जियांग जिंगशी को कॉल करता है और वो उससे पूछता है कि तुम दोनों के बीच में क्या हुआ है तो वो बता देती है कि उससे नॉन्जो का क्यूबिक खो गया है। वो कहता है कि ये तो तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी क्योंकि वो रूबिक क्यूब्स नॉन्जो के भाई की आखिरी निशानी थी जिसकी 10 साल पहले मौत हो चुकी है, जिसके बारे में वो किसी से भी बात करना ठीक नहीं समझता। ये सब सुनकर उसे बहुत ही बुरा लगता है और वो कचरे के डब्बे में से सारा कचरा निकाल कर रूबिक क्यूब्स को ढूंढने लगती है, जहां फाइनली देर तक ढूंढने के बाद उसे वो क्यूब मिल ही जाता है। रात में हम नॉन्जो को देखते हैं जो कि क्लीनिंग डिपार्टमेंट से बात कर रहा था और कहता है कि उसी ने कचरे को रोकने के लिए कहा था क्योंकि उसके अंदर उसकी कोई इम्पोर्टेंट चीज गुम गई थी। तो वो लोग उसे बताते हैं कि आज सुबह ही एक लड़की ने उस रूबिक क्यूब को ढूंढ निकाला है जो करने में वो काफी गंदी हो गई थी। घर आकर वो टेबल पर रूबिक क्यूब को देखता है और उसके साथ में एक नोट भी था जिस नोट में लिखा था कि मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है और वो उसे सॉरी भी कहती है। दूसरी तरफ हम जिंगशी को येन के साथ काम करता हुआ देखते हैं और वो अभी तक घर नहीं गई थी, इसीलिए नॉन्जो उसे कॉल करता है लेकिन वो उसके कॉल को कट कर देती है क्योंकि वो काम में काफी बिजी थी। लेकिन नॉन्जो को लगता है कि वो उससे काफी नाराज है। एक तरफ हम जिंगशी को देखते हैं जो कि काम करते करते सो जाती है। अगले दिन जब नॉन्जो ऑफिस में होता है तो वो सोचता है कि वो रात भर घर क्यों नहीं आई, क्या उसे येन पसंद आ गया है। दूसरी ओर जिंगशी येन को ट्रीट दे रही होती है क्योंकि उसे उसकी पहली सैलरी मिली थी जिसका आधा पैसा वो उसे दे देती है, लेकिन वो उन पैसों को लेने से मना कर देता है और कहता है कि जब कभी तुम मुसीबत में हो तो तुम्हारे ये पैसे काम आएंगे तुम्हें। अब वो घर आकर जिंगशी को कॉल करती है और वो उसे बताती है कि मैं फाइनली किसी को पसंद करने लगी हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वो पर्सन मुझे लाइक करता है या नहीं। वो कहती है कि कोई बात नहीं, तुम ट्राई करती रहो, मैं तुम्हें पूरा सपोर्ट करूँगी। फिर वो उससे उस पर्सन का नाम पूछती है लेकिन सू उसे नहीं बताती।
रात में हम नैन्सो को उसके रूम में देखते हैं और वो सोच रहा होता है कि वो अभी तक घर क्यों नहीं आई। वो सोच रहा होता है कि कहीं वो उसे नाराज तो नहीं है ना, इसीलिए अब वो उसे मैसेज करके बोलता है कि उस दिन जो मैंने तुम्हें डांटा था वो ज्यादा दिल पर मत लेना, और रूबिक क्यूब्स ढूंढने के लिए थैंक्स भी बोलता है, लेकिन उसका कोई भी रिप्लाई नहीं आता। इसीलिए अब वो सोचने लगता है कि वो मुझसे नाराज है। अब वो उसे मैसेज कर देता है कि अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो हम इस एग्रीमेंट को टर्मिनेट कर देंगे और रियल रिलेशनशिप में आ जाएंगे। ये मैसेज करके वो बाहर पानी पीने के लिए आता है, तभी वो वहाँ पर जिनशी को देखता है जो कि किचन में कुकिंग कर रही होती है। वो जिनशी से पूछता है कि तुम घर कब आई, वो कहती है कि वो तो बहुत पहले ही घर पर आ गई। वो कहता है कि उसने उसे काफी सारे मैसेज किए लेकिन उसने रिप्लाई क्यों नहीं किया। वो कहती है कि मेरा फोन बेडरूम में है। नैन्सो अब उसे उस दिन डांटने के लिए सॉरी कहता है और कहता है कि मुझे तो लगा कि तुम घर ही छोड़कर चली गई। वो कहती है कि मैं भला घर क्यों छोड़ूंगी। फिर वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करने लगी हो। वो कहती है कि अच्छा मैं तुम्हें भला कब से पसंद करने लगी। वो कहता है कि ऑफिस में तो तुम मुझे बड़ा ही प्यार से देखा करती हो। वो कहती है कि ऑफिस में तो तुम सिर्फ मेरे बॉस थे लेकिन हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। और तभी नैन्सो को याद आता है कि उसने उसे मैसेज किया था कि अगर वो उसे पसंद करती है तो वो लोग इस एग्रीमेंट को टर्मिनेट कर सकते हैं और रियल रिलेशनशिप में आ सकते हैं। तो अब वो फटाफट से रूम में जाकर उस मैसेज को डिलीट करता है, लेकिन वो अंदर आके कहती है कि तुम भला इस तरह से मेरे फोन को कैसे टच कर सकते हो। ये बोलकर वो उससे फोन छीनने लगती है। अब छीना झपटी में दोनों लोग एक साथ बेड पर गिर जाते हैं और ये दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। ऐसे ही देखते देखते ये दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं, लेकिन असलियत में ये सब सिर्फ नैन्सो की इमेजिनेशन थी। अब वो रियल में भी उसे किस करने के लिए उसके क्लोज जाने लगता है, लेकिन जिनसी फटाफट से फोन छीन कर उठ जाती है और अब वो देखती है कि उसके फोन में से कुछ मैसेजेस डिलीटेड हैं। और अब वो उसे कहती है कि आखिर तुमने ऐसा क्या मैसेज कर दिया जिसे तुमने डिलीट करना पड़ा। वो कहता है कि वो जरा ऑफिस का कुछ गलती से तुम्हें सेंड हो गया, लेकिन जिनसी को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। वो कहती है कि मैं समझ गई। वो कहती है कि तुमने ऐसा कुछ मैसेज किया था जो तुम मुझे डायरेक्टली नहीं बोल सकते, और वो उसे घूरने लगता है। वो बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाता है और शाई फील करने लगता है और अब वो उसकी हुडी को बंद करके वहाँ से भाग जाता है। नाज़िया को उसके घर पे परेशान देखते हैं और वो उसे मैसेज करके कहता है कि अपना ख्याल रखना और टाइम से सो जाना। अब ये दोनों फाइनली रिलेशनशिप में आ चुके होते हैं। अब वो इसे समझाती है कि नाज़िया को पता ही होगा कि तुम मेरे घर पे हो, इसीलिए उसने तुम्हें जल्दी सोने के लिए कहा। दूसरी तरफ हम जिन को देखते हैं जो कि उस कॉपीराइटेड एनिमेशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट डिटेल डिस्ट्रॉय कर रही होती है। अगले दिन नाज़िया उससे बात करने के लिए उसके ऑफिस जाती है, लेकिन वहाँ वो देखती है कि जाओ सो रहा है और वो उसे कोट उठा कर कहती है कि अभी तो मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ क्योंकि तुम बहुत ही इनोसेंट बेचारे लग रहे हो। ऐसा बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ जिनसी को कंपनी से कॉल आता है और वो उससे मिलने के लिए बुलाते हैं। एक तरफ उसकी जब ऑफिस में नींद खुलती है तो वो जियो आकर उससे कहती है कि तुम अपना ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखते, वो तो मैं थी जिसने तुम्हें ये कोट उड़ा दिया, और वो उसे जिनशी के आने के बारे में भी नहीं बताती। रात में जिनसी नैन्सो को कॉल करके बताती है कि उसे एक जॉब मिल गई है और वो उसे कंग्रेचुलेट करता है। तो जिनशी उसे घर जल्दी आने के लिए कहती है, लेकिन वो कहता है कि ऑफिस में काफी सारा काम है इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगा। ये सुनकर जिनशी को थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन वो खुश थी कि नैन्सो घर आ रहा है। और कॉल कट करने के बाद उसे रियलाइज होता है कि उसने नैन्सो को कॉल क्यों किया, उसने तो अभी तक उससे माफी भी नहीं मांगा। फिर हम नैन्सो को देखते हैं जो कि देर रात तक काम करके घर लौटता है, लेकिन जिन उसे रोक लेती है और कहती है कि ऑफिस में ही रेस्ट कर लो क्योंकि थोड़ी देर बाद उसकी लॉयर से मीटिंग है, लेकिन नैन्सो उसकी बात नहीं सुनता और घर चला जाता है। और यहाँ आकर ये देखता है कि जिनशी उसके इंतजार करते करते सोफे पर ही सो गई, इसीलिए वो उसके पास जाकर कंग्रेचुलेट करता है और उसके फॉरहेड पर किस करता है। और तभी वो नींद में बड़बड़ाने लगती है कि जंग शो प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, और वो उसकी नींद नहीं खराब करना चाहता था इसीलिए वो उसे काउच पर ही सोने देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब उसकी नींद खोलती है तो वो देखती है कि उसके लिए ब्रेकफास्ट बना हुआ है और वो खुश हो जाती है ये सोचकर कि शायद वो आ गया। लेकिन जब वो चेक करती है तो उसे पता चलता है कि वो तो ऑफिस के लिए निकल चुका है और वो फिर से उदास हो जाती है, लेकिन वो ये सोचकर खुश होती है कि उसने सुबह सुबह उठकर उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाया। अब इधर हम ऑफिस में देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के बाद जो अमाउंट उसे पे करना था वो कंपनी ने थोड़ा कम कर दिया है और इस चीज को सेटल
डाउन करने के लिए जैन शी उसे पूरी प्रॉपर्टी बेचने के लिए कहता है, तो वो कहता है कि इन सब से भी कंपनसेशन कम नहीं हो पाएगा, इसके लिए तो आपको अपना घर भी बेचना पड़ जाएगा। ये सुनकर नैनजो सोच में पड़ जाता है। इसके बाद वो सुपरमार्केट जाता है जिनसी के साथ और यहाँ पर ये झूठ बोलता है कि मेरा घर ऑफिस से बहुत ही दूर है, इसीलिए मैं इसे बेचकर एक नया घर ले रहा हूँ जो कि ऑफिस के पास है, तो तुम कुछ दिन के लिए सो के घर में रह लेना और जब मैं प्रॉपर शिफ्टिंग कर लूंगा तो तुम मेरे पास आ जाना। ये सुनकर जिनसी उसकी बात मान जाती है। अब नैनजो के पास जिन का कॉल आता है और वो उसे बताती है कि ऑफिस के पास ही उसका एक घर है और वो खाली पड़ा हुआ है और अगर वो चाहे तो वहाँ पर रह सकता है। ये सुनकर नैनजो उसकी बात मान जाता है और कहता है कि वैसे भी मेरे पास अभी घर देखने का टाइम नहीं है, इसीलिए तुम्हारा थैंक यू। अगले दिन जिनशी जब नैनजो की शिपिंग में हेल्प करता है तब वो वहाँ पर जिन को देखकर काफी भड़क जाती है और वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और वो कहती है कि क्या तुम्हें नैनजो ने नहीं बताया कि वो मेरे घर पर शिफ्ट हो रहा है। ये सुनकर जिनशी को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उससे उस दिन की शावर वाली बात पूछती है। इस बात का जिन कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप से सर नीचे कर लेती है ताकि जिनशी को उसके ऊपर और भी ज्यादा शक हो। जिनशी कहती है कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ इसलिए तुम्हें मुझे ये बात एक्सप्लेन करनी होगी। तो वो कहती है कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो चाहे कुछ भी हो, तुम्हें तो उससे दूर रहना चाहिए क्योंकि जब से तुम उसकी लाइफ में आई हो सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम ही क्रिएट कर रही हो और नैनजो को तो किसी समझदार पर्सन की जरूरत है जैसे कि मैं। ये सुनकर वो उसे जोर से थप्पड़ मारती है जिसके वजह से वो नीचे गिर जाती है और तभी नैनजो भी वहाँ पर आ जाता है जिसे ऐसा लगता है कि शायद जिनसी ने उसे मारा है, इसीलिए वो जिन की ही साइड लेने लगता है जो देखकर जिनसी को और भी गुस्सा आता है और वो यहाँ से चली जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि मिस्टर लू जिनसी से मिलते हैं और उसे उन शेयर्स के बारे में बताते हुए कहते हैं कि नैनजो तुमसे सिर्फ इन शेयर्स की वजह से शादी कर रहा है और वो उसे इन शेयर्स के बदले काफी पैसे भी ऑफर करते हैं क्योंकि वो नैनजो को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। वो कहती है कि मैं भला तुमसे पैसे क्यों लूं, मैं ये शेयर नैनजो को दे दूंगी। अब ये यहाँ से उठकर चली जाती है और अब नैनजो को कॉल करके उससे मिलने के लिए बुलाती है और वो कहता है कि मैं अभी एक मीटिंग में हूँ, मैं अभी नहीं मिल सकता। अब ये ऑफिस से सारा काम खत्म करके निकल ही रहा था तभी जिन आकर कहती है कि हमारी एक इन्वेस्टर से मीटिंग है, लेकिन नैनजो बोलता है कि उसे घर जाना है। वो कहती है कि अगर ये मीटिंग नहीं हुई तो बहुत ही ज्यादा लॉस हो जाएगा, इसीलिए नैनजो को यहाँ पर रुकना ही पड़ता है। अब वो उसे मैसेज करके बताता है कि वो एक जरूरी मीटिंग में जा रहा है इसीलिए वो नहीं आ पाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं कि इन दोनों के रिलेशनशिप में दूरियाँ बनती जा रही हैं और अब ये शेयर्स वाली बात पता लगने के बाद तो वो बिल्कुल टूट ही गई थी, इसीलिए अब वो एक फैसला लेती है और मैरिज एग्रीमेंट को टर्मिनेट करने का डिसाइड करती है और वो ऐसे करके उसे मेल देती है। जैनजो जब अपना काम खत्म करके उस मेल को देखता है तो वो एकदम से शॉक रह जाता है और अपना सर नीचे करके बैठ जाता है और तभी उसके पास जिन आती है जो देखती है कि जिनशी मैरिज एग्रीमेंट को टर्मिनेट करना चाहती है। ये देखकर तो वो बहुत ही खुश होती है और कहती है कि जिनशी काफी दिनों से तुमसे बात करना चाहती थी लेकिन तुम काम में बिजी थे इसलिए उसे टाइम नहीं दे पाए। मुझे तो लगा था कि वो अंडरस्टैंडिंग है, तुम बिजी हो तो वो समझ जाएगी, लेकिन उसने तो कुछ और ही कर दिया। ये बोलकर वो उसके कंधे पर हाथ रखती है और उसे कंसोल करने की कोशिश करती है। अब वो उसे कॉल करके पूछता है कि तुम कहाँ पर हो, मुझे तुमसे बात करनी है। वो उसे बता देती है कि मैं कहाँ पर हूँ। नैनजो जब उससे मिलने के लिए आता है तो वो देखता है कि वो ऊपर वाले फ्लोर में है और वहाँ जाने वाले रास्ते पर बहुत ही ज्यादा भीड़ होती है। इतनी भीड़ देखकर उसे डर लगने लगता है तो जिनशी उसे कॉल करती है और कहती है कि हम कॉल पर ही बात कर लेते हैं। जिनशी उसे कहती है कि मैंने फैसला कर लिया है कि मैं ब्रेकअप करना चाहती हूँ और मैं तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहती और नहीं मैं खुद अपसेट होना चाहती हूँ। नैनजो कहता है कि प्लीज ऐसा मत करो, मैं तो तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। वो उसे कहता है कि मुझे इस वक्त तुम्हारी बहुत जरूरत है। वो कहती है कि हाँ मुझे मालूम है कि तुम्हें मेरी जरूरत है लेकिन अब मैं ब्रेकअप करना चाहती हूँ। ऐसा बोलकर वो कॉल कट कर देती है लेकिन नैनजो जिनसी से बात करना चाहता है इसीलिए वो हिम्मत करके सीढ़ियों से ऊपर आने की कोशिश करता है। नैनजो को ऐसा करता हुआ देखकर उसे रोना आ जाता है और वो समझ जाती है कि जब तक वो यहाँ से नहीं जाएगी वो ऊपर आने की कोशिश करता रहेगा, इसीलिए वो वहाँ से चली जाती है और वो उसे वहाँ पर ना देखकर बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है और सीढ़ियों पर बैठ जाता है। अब जब ये दोनों अपने घर जा रहे थे तो रास्ते में एक दूसरे के साथ बिताया हुआ समय याद कर रहे थे, चाहे सोते हुए चाहे टीवी देखते हुए या खाते हुए। अब इनके ब्रेकअप को कुछ दिन बीत चुके हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जैनशो को जिन की सारी सच्चाई पता चल जाती है। वो उससे पूछता है कि सच सच बताओ कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। वो कहती है कि ये सब मैंने जिनसी की वजह से किया क्योंकि जब जिनसी नहीं थी तुम्हारा सारा काम मैं देखती थी और तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो तुम सिर्फ मुझे याद करते थे, लेकिन जब से जिनसी तुम्हारी लाइफ में आई है तुमने तो मुझे कट ऑफ ही कर दिया है। अब वो उसे कहता है कि मैं नहीं जानता कि तुम क्या सोचती हो हम दोनों के बारे में, मेरा तो बस तुम्हारे साथ प्रोफेशनल रिलेशन है और तुमने जो भी चीजें बिगाड़ी है अब वो तुम ही ठीक करोगी।
नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो जिंगशी से मिलने के लिए जाता है, लेकिन तभी वो देखता है कि वो किसी लड़के के साथ जा रही है और वो उसके ऊपर छुपकर नजर रखने लगता है। ये इन दोनों की छुपकर बातें सुनता है, जिससे इसे पता चलता है कि ये लड़का इसका दोस्त है और ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। अब ये इसका पीछा करते करते एक रेस्टोरेंट में पहुंचता है। यहाँ पर जुआन का दोस्त वॉशरूम जाता है, फिर नानसो भी उसके पीछे पीछे जाता है। नानसो उसे कहता है कि शायद हम पहले मिल चुके हैं और वो उससे जिंगशी के बारे में पूछने लगता है। वो उसे कहता है कि मैं तो उसे बचपन से जानता हूँ। वो उससे पूछता है कि क्या तुम उसे पसंद करते हो, तो वो कहता है कि वो लड़की इतनी अच्छी है, कौन उसे पसंद नहीं करेगा, और अगर हम दोनों डेट करेंगे तो अपने रिलेशनशिप को काफी अच्छा रख सकेंगे और मैं उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखना चाहता हूँ। उसकी ये सारी बातें सुनकर नानसी अपसेट हो जाता है और वो बस इतना कहता है कि उसका ख्याल रखना। ऐसा कहकर वो यहाँ से चला जाता है। वापस आकर वो उसे बताता है कि वॉशरूम में मुझे एक आदमी मिला जो तुम्हारा ख्याल रखने को कह रहा था। जो सुनकर जिंगशी समझ जाती है कि वो नानसो था। वो उससे पूछती है कि वो आदमी कहाँ पर है, तो वो कहता है कि वो अभी शायद बाहर की तरफ गया है। वो बाहर की तरफ आती है देखने के लिए, बट उसे कोई नहीं मिलता। एक तरफ नानसी बहुत ज्यादा परेशान होता है ये सोचकर कि वो तो अब मूव ऑन कर चुकी है और वो लड़का भी उसका अच्छे से ख्याल रखेगा। एक तरफ जिंगशी जो कि एग्रीमेंट पर उसके साइन को देखकर समझ जाती है कि वो शायद मूव ऑन करना चाहता है। यहाँ पर दोनों लोग एग्रीमेंट टर्मिनेशन के पेपर पर साइन कर देते हैं और यहाँ पर जिंगशी अपने नाम के 5% शेयर को नानसो के नाम पर कर देती है और एक लेटर के साथ उसे उसके घर पर भेज देती है। लेकिन नानसो उस पार्सल को खोल कर नहीं देखता, क्योंकि उसे ये लग रहा था कि जिंगशी ने इसके अंदर एग्रीमेंट पेपर पर साइन करके भेजा है, इसीलिए वो उसे लॉकर के अंदर रख देता है। इसी बीच सेक्रेटरी के पास नानसो की मोम का कॉल आता है और वो उन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में पूछती है कि दोनों लोगों का कैसा चल रहा है। तो जियांग उन्हें बता देता है कि इन दोनों का तो ब्रेकअप हो गया है और अब वो कहती है कि लगता है कि अब मुझे ये सब कुछ ठीक करना होगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नानसो के पास जिंगशी का कॉल आता है और वो कहती है कि तुम्हारी मदर मुझे कॉल की थी और वो तुम्हारे पुराने घर पर आने वाली है, लेकिन वहाँ के लोगों ने उन्हें बता दिया है कि तुम अब वहाँ पर नहीं रहते हो और उन्होंने मदर को तुम्हारा नया एड्रेस भी दे दिया है। तो वो उससे पूछता है कि क्या तुम फिर से मेरी पर हेल्प कर सकती हो, जिस पर जिंगशी हाँ कहकर कहती है कि ये आखिरी बार होगा। जिंगशी नानसो के घर आती है और यहाँ पर उसकी मोम उससे पूछती है कि तुम दोनों का कैसा चल रहा है। वो कहती है कि सब बढ़िया है, हम लोग एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं, पर हम लोग यहाँ पर रेंट पर रहते हैं। यहाँ पर उनके अलग अलग जवाब सुनकर उसकी मदर को तो पक्का वाला डाउट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नानसी जिंगशी को कहता है कि मैंने आज ही तुम्हारा लेटर पढ़ा और मुझे लगता है कि तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है कि मैं प्रॉपर्टी की वजह से तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तो अपने पापा की लास्ट विश की वजह से तुमसे शादी करना चाहता था, लेकिन फिर बाद में मुझे तुमसे प्यार हो गया। इससे पहले कि नानसो कुछ बोल पाता, उसकी मदर वहाँ आ जाती है और नानसो को उसकी सुपरमार्केट साथ में चलने के लिए कहती है। बाहर जाकर वो नानसो को कहती है कि मुझे पता है कि तुम दोनों का ब्रेकअप हो गया है, इसलिए सच सच बताओ कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, तुमने मूव ऑन किया या नहीं, या मूव ऑन करना भी है या नहीं। तो वो कहता है कि मैं मूव ऑन नहीं कर पा रहा और मुझे उसी के साथ रहना है। तो मॉम कहती है कि अब जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करो। अगली सुबह अपनी मदर के कहने पर वो उसके लिए उसका फेवरेट ब्रेकफास्ट बनाता है और वो उसकी बहुत ही ज्यादा केयर करना स्टार्ट कर देता है, जो देखकर जिंगशी को काफी अच्छा लगता है। इस वजह से वो मुस्कुराने लगती है। फिर वो उन दोनों को और करीब लाने के लिए कमर दर्द का बहाना करती है और वो जिंगशी से कहती है कि अगर तुम आज फ्री हो तो तुम मेरे साथ हॉर्स पिंग चलो। अब इससे पहले कि जिंगशी कुछ बोल पाती वो हाँ कर देता है, जो देखकर जिंगशी उसे घूरने लगती है। अब ये दोनों रिजॉर्ट पहुँचते हैं, तो जब ये दोनों अपने रूम में जाते हैं तो रूम को सजा धजा देखकर जिंगशी को थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है। नानसो अब यहाँ पर कहता है कि अगर तुम मुझे फिर से एक चांस दो, यानी कि मुझे माफ कर दो, तो मैं तुम्हारी बहुत केयर करूंगा और मैं ऐसे सरप्राइजेस तुम्हें हमेशा देता रहूंगा। वो उससे माफी मांगता है कि जब वो उसके साथ थी तो वो सिर्फ काम के बारे में सोचा करता था। जिंगशी कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि ये सब के लिए काफी देर हो चुकी है और मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हारी मदर के कहने पर आई हूँ। ऐसा कहकर वो यहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नानसो की मॉम और जिंगशी दोनों लोग हॉट स्प्रिंग में बैठे होते हैं और यहाँ पर उसकी माँ उसे समझाती है कि मेरे बेटे को सच में तुमसे प्यार हो गया है और जब से तुम उसे छोड़कर गई हो तब से वो बहुत ही ज्यादा अकेला हो गया है। वो शॉक्ड हो जाती है ऐसी बातें सुनकर और वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम दोनों का ब्रेकअप हो गया है, लेकिन तुम उसे समझ नहीं पा रही, तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, तुम एक बार समझने की कोशिश करो और उसे एक चांस देकर देखो। तुमने उसे लाइफ को जीना सिखाया है और तुम्हारी जाने की वजह से वो फिर से अकेला हो गया है, तुम्हें उसे समझना ही पड़ेगा। ये सारी
बातें सुनकर उसे फील होने लगता है कि वो उसके बुरे टाइम में उसे अकेला छोड़ दी। और अब जैसे ही वो पानी से बाहर आ ही रही होती है तभी उसका सर चकरा जाता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है, जो देख कर मदर नैन्सो को बुलाती है। नैन्सो भागता हुआ आता है और जिंगशी को वहाँ से निकाल कर रूम में ले जाता है, जहाँ जैसे ही जिंगशी को होश आता है तो वो उसे कहता है कि मैं यहीं पर बैठा हूँ और अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझसे मांगना। चेकआउट करते वक्त भी वो उसे बताता है कि मैं शेयर्स की वजह से तुमसे प्यार नहीं किया, बल्कि मुझे सच में तुमसे प्यार हो गया था। खैर, अगले दिन हम जिंशी और गेरिन को समिट में देखते हैं और यहाँ पर ये इसे कन्फेस करता है कि पहली बार जब मैं तुम्हें देखा था तभी से तुम मुझे पसंद आ गई। वो उसे बहुत कुछ कहता है कि तुमने मेरी लाइफ बदल दी, जब भी तुम मेरे आसपास होती हो तो मुझे अच्छा लगता है। अब यहाँ पर वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाता और उसे आई लव यू बोल देता है। ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, वो उसे देखने लगती है लेकिन ये बोलकर वो हंसने लगता है तो जिंशी भी हंसने लगती है। ऐसा कहकर वो उसे गले लगा लेता है और तभी नैन्सो आते वक्त उन्हें देख लेता है, जो उसे देखकर कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो वो उसे चुप रहने के लिए कहता है। अब नैन्सो का तो उन दोनों का इस तरीके से मिलना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, चारे का मुंह ही लटक गया था। अब वो मिस्टर नैन्सो से कहता है कि हम दोनों मूवी देखने के लिए जा रहे हैं, तो अब हम दोनों यहाँ से निकल रहे हैं। ये बोलकर वो जिंशी का हाथ पकड़ के ले जाता है, लेकिन जब वो पीछे मुड़कर नैन्सो को देखती है तो वो कहीं नहीं नजर आता, तो वो येन से हाथ छुड़ाकर नैन्सो की तरफ भागती है। उसे ऐसा करता हुआ देखकर येन मुस्कुराने लगता है, क्योंकि उसकी ये सारी प्लानिंग थी ताकि वो नैन्सो से वापस से मिल सके। वहीं जिंशी भागते भागते नैन्सो को ढूंढने लगती है और तभी नैन्सो पीछे से आता है ढेर सारे बलून्स लेकर और यहाँ पर वो उसे अपना लव कन्फेस करता है, कहता है कि मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूँ, मुझे भीड़ भाड़ वाली जगह से नफरत है, लेकिन देखो तुम्हारी वजह से मैं भीड़ भाड़ वाली जगह पर आता जाता हूँ। जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो मेरी पूरी लाइफ बदल गई है, तुमने ही मुझे जीना सिखाया, अदरवाइज मैं हमेशा काम में ही बिजी रहता था, मुझे काम के सिवा कभी कुछ दिखता ही नहीं था, लेकिन तुमने मुझे लाइफ का मोटिव बताया। और अब वो उसे फाइनली कहता है कि मैं तुम्हारे बगैर एक दिन भी नहीं रह सकता। ऐसा कहकर वो उसे आई लव यू कहता है और अब जिंशी भी अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाती है और वो उसे हग करके आई लव यू टू कहती है और ये देखकर वहाँ खड़े हुए सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में नैन्सो जिंशी को अपने ऑफिस में बुलाता है और वो उसे हग कर लेता है, तो वो कहती है कि शायद हमें ऑफिस में रोमांस नहीं करना चाहिए क्योंकि ये रूल तो तुमने ही बनाया है, तो शायद हमें ये रूल चेंज कर देना चाहिए। तो नैन्सो कहता है कि अपने ही रूल को चेंज करना यानी कि अपने ही गाल पर थप्पड़ मारना, ये सुनकर वो नाराज होकर जाने लगती है और तभी वो उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और वो उसे किस करता है। किस करते वक्त एक रिमोट रखा होता है पास में जिसके बटन गलती से प्रेस हो जाते हैं और ऑफिस के पूरे कर्टन्स अपने आप खुलने लगते हैं, जिसके वजह से ऑफिस में जितने भी कलीग्स होते हैं सब उन्हें देखने लगते हैं। अब जैसे ही जिंशी आँख खोलती है तो देखती है कि सभी लोग उन्हें देख रहे हैं, तो नैन्सो को दूर कर देती है और ये दोनों शर्माकर पीछे मुड़ जाते हैं और तभी इनके पीछे ज़ियांग आता है जो कि ऑफिस का छठा रूल हटा देता है और अब कोई भी किस से कोई भी रिलेशनशिप में आ सकता है। वो ऐसा कहते हुए सभी से चला जाता है। अब कहानी 6 महीने आगे की तरफ शिफ्ट होती है और यहाँ पर एक अवार्ड सेरेमनी होता है, लेकिन नैन्सो एक कमरे में जिंशी को प्रॉपरली प्रपोज करने की प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन रूम में रखे हुए स्पीकर की वजह से अवार्ड सेरेमनी में सभी लोग उसकी प्रैक्टिस की आवाज़ सुन रहे होते हैं और जिंशी भागते हुए आती है और उसके स्पीकर को ऑफ करती है और कहती है कि अगर मुझे तुम ऐसे प्रपोज करोगे तो मैं कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि वो उसे फाइनली प्रपोज करने के लिए एक बहुत ही सुंदर जगह पर लाता है और यहाँ आसपास पूरी जगह पर सिर्फ फ्लावर्स ही भरे हुए थे और उसके बीच में वो उसे प्रपोज करता है, लेकिन प्रपोज करते वक्त तो रिंग ही गिर जाती है और अब वो कहता है कि नहीं नहीं मैं फिर से प्रपोज करूंगा और अब वो दोबारा से घुटने पर बैठ कर कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी, तो वो हाँ कहती है और अब वो उसे रिंग पहनाता है और दोनों लोग किस करते हैं। फिर नैन्सो उसे गिफ्ट देने के लिए एक घर में लाता है, ये घर उसका पुराना घर होता है जो कि जिंशी बहुत टाइम से खरीदने की कोशिश में थी। ये देखकर वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारा कर्ज कैसे चुका पाऊंगी, तुमने तो मुझे बहुत बड़ा गिफ्ट दे दिया। वो कहता है कि तुम्हें अगर मेरा कर्ज चुकाना है तो बस मेरे साथ लाइफ टाइम रहना। ये बोलकर वो उसे किस करने वाला था और तभी यहाँ ऑफिस में सारे एम्प्लॉयज आ जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिंशी और नैन्सो की शादी हो गई है और जिंशी सुबह सुबह अपना पार्सल मंगाती है और उसने फिर से जंक फूड ऑर्डर किया होता है। अब उसने क्योंकि सिर्फ शर्ट पहनी हुई थी तो नैन्सो उससे पूछता है क्या तुम ऐसे डिलीवरी लेने के लिए गई थी, तुम्हारे शर्ट के बटन भी ठीक से बंद नहीं है। ये बोलकर वो उसके शर्ट के बटन को अनड्रेस करने लगता है तो वो उसे रोकते हुए कहती है कि ये क्या कर रहे हो। नैन्सो उसे बेड पर गिरा देता है और कहता है कि अभी तो वीकेंड है तो तुमने मुझे उठाया है तो तुम्ही को कंपनसेट करना पड़ेगा। ये बोलकर वो उसे किस करने लगता है और हम देखते हैं आगे से लेना है। और अब हम लास्ट में देखते हैं कि जिंशी एक हेलो मिस्टर गु के नाम से कॉमिक पर काम कर रही है और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है। तो फाइनली इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है और अगर आपको ड्रामा पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।